कलेक्टिवली 24 ऑफिसर शहीद हुए हैं। अब हम सिग्नल्स को ढूंढ रहे हैं, जब वो मिल जाएंगे तो हमें नजदीकी लोकेशन का पता चल जाएगा। कलेक्टिवली 24 ऑफिसर शहीद हुए हैं। तुमने जो किया है पता है किसके साथ किया है? तुम सभी का स्वागत है इस ऑपरेशन ब्लैक में। आखिर तुम हो कौन? लग गए। उन लोगों की तलाश में हूं जिनके पास खोने को कुछ नहीं। वो जाल बिछा चुके हैं, पुलिस हमारा इंतजार कर रही है। मेरे पास एक प्लान है। कौन है ये राजवीर अशर? क्यों फिल्म एक्सपर्ट्स ने ताना वीएफएक्स पर निशाना? किस तरह खान्स का हेयर स्टाइल होता है फेमस? दोस्तों, राजवीर अशर ये वो शख्स है जिन्होंने फिल्म पठान के असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया है। इन्होंने जवान का प्रीव्यू देखने के बाद फिल्म की तारीफ करते हुए ये कहा कि शाहरुख सर तो अलग ही मिट्टी के बने हैं। मतलब कोई प्रमोशन नहीं, कोई तामझाम नहीं, कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं, और ना ही 700 करोड़ रुपये का बजट, और ना ही फिल्म 3D में देखने की रिक्वेस्ट। पर फिर भी अभी से ऑडियंस ने जवान को तो सर पर ले लिया है। अब उनकी तारीफ तो सही है, पर 700 करोड़ का बजट, इस बात को अगर हम थोड़ा सा हाईलाइट करें ना, तो हमें याद आएगी फिल्म आदि पुरुष, जिसका बजट भी 700 करोड़ रुपए था और वीएफएक्स पर तो एक्स्ट्रा पैसे बहाए गए थे। तो उसी को ताना मारते हुए राजवीर ने ये कहा है, यानी कि राजवीर ने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। मतलब कि एक तरफ तारीफ करके तो एक तरफ ताना मार दिया। वैसे फिल्म जवान में शाहरुख खान ने अपना जो गंजा लुक दिखाया है उसे देखने के बाद फैंस क्रेजी हो रहे हैं, और ऊपर से उनके माथे पर उन्होंने टैटू भी बनवाया है। अब देखा जाए तो शाहरुख का ये हेयर स्टाइल मशहूर हो चुका है और लगता है कि अब सैलून में भी भीड़ लगने वाली है। अरे, सैलून की क्या जरूरत है, ये हेयर स्टाइल तो घर पर भी हो सकता है। इतना ही नहीं बल्कि थिएटर्स में कुछ फैंस यही गंजा लुक करके जाएंगे और फिल्म देखेंगे, क्योंकि ऐसा हुआ था आमिर खान की फिल्म गजनी के साथ। देखा जाए तो ये जो खान्स है ना, उनकी फिल्मों के साथ साथ उनका हेयर स्टाइल भी ना काफ़ी फेमस हो जाता है। अब आमिर खान का गजनी कट तो फेमस हुआ ही था, तो वहीं सलमान खान का तेरे नाम वाला हेयर स्टाइल भी पीछे नहीं था। जिसे देखो वो तेरे नाम हेयर स्टाइल करके सलमान को कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। ऐसी हालत में शाहरुख खान पीछे कैसे रह सकते थे भला? जरूर ये स्टाइल फॉलो किया जाएगा, और जो लोग गंजे हैं ना उन्हें तो मजा आ रहा होगा ये कहते हुए कि देखो शाहरुख भाई ने हमारा हेयर स्टाइल कॉपी किया है। मतलब अपने गंजेपन को छुपाने के लिए अच्छा नुस्खा अपनाया जाएगा। फिल्म एक्सपर्ट जिम्मी और केनी का कहना है कि शाहरुख खान ने प्रीव्यू में बहुत सारे सरप्राइजेस को रिवील कर दिया है जो नहीं करना चाहिए था। मसाला से भरपूर है ये फिल्म, फिर भी हर एक मसाले को पहले ही रिवील करने की जरूरत नहीं थी। पर फिर भी शाहरुख खान अपना कमाल दिखाने में कामयाब हो चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि शाहरुख खान के गंजे लुक को देखकर भी उन्होंने तारीफ की, और फिल्म पहले दिन अच्छी खासी कमाई करेगी ऐसा भी उनका कहना है। पर उनका ये कहना है कि वीएफएक्स थोड़े ज्यादा है, मतलब इतने वीएफएक्स की जरूरत नहीं थी। फिर भी जब तक वो फिल्म पूरी नहीं देखते तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। उनकी इन बातों पर कमेंट करते हुए फैंस ने ये कहा है कि ये एक्सपर्ट्स शाहरुख खान को पसंद नहीं करते हैं, पर फिर भी उन्होंने अगर तारीफ की है तो इसका मतलब फिल्म ज़रूर ब्लॉकबस्टर साबित होगी। फिलहाल दोस्तों आप हमें ये बताइए कि आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं। आखिर किस तरह से फिल्म जवान के डायरेक्टर अतुल कुमार की मदद की सलमान खान ने? किस एक्ट्रेस के कारण चमकी नयनतारा की किस्मत? कौन है अतुल कुमार का लकी चार्म? हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बोलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूं अनुष्का त्यागी।
ओवन टुमाना आइटम सॉन्ग के साथ पुष्पा फिल्म में धूम मचाने वाली एक्ट्रेस समांथा रुद्र प्रभु का फिल्म जवान को लेकर क्या रिएक्शन है? जवान फिल्म में हमें लीड रोल निभाते हुए एक्ट्रेस नयनतारा नजर आ रही है, वो भी फुल ऑन एक्शन मोड में। पर नयनतारा की जगह पहले ये ऑफर समांथा को दिया गया था, जो कि उन्होंने अपने पर्सनल रीजंस के कारण रिजेक्ट कर दिया, वो भी साल 2019 में। वैसे समांथा उस वक्त अपने एक हस्बैंड नागा चैतन्य के साथ फैमिली प्लानिंग को लेकर सोच रही थी, पर अगर वो फिल्म साइन करती तो हमें शाहरुख खान और समांथा की जोड़ी दिखाई देती, और समांथा एक्शन फॉर्म में कमाल करती है। वैसे दोस्तों, समांथा के इस फैसले की वजह से उनके फैंस उनसे नाराज तो हैं, पर ये नहीं तो दोस्तों कुछ और सही। फिलहाल तो नयनतारा सबकी आंखों का तारा बन चुकी हैं। देखते हैं आखिरी तारा कितना चमकता है जवान के रिलीज के बाद में। अब जवान फिल्म के डायरेक्टर एटली कुमार ने 19 साल की उम्र में ही अपने करियर की शुरुआत की, वो भी असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर। धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन के दम पे से एक बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। दोस्तों, वैसे उनकी जर्नी में सलमान खान का भी बहुत बड़ा हाथ है। मतलब दोस्तों, सलमान की 2015 में रिलीज हुई फिल्म बजरंगी भाईजान को देखने के बाद एटली ने बजरंगी भाईजान के स्टोरी राइटर के बी विजेंद्र प्रसाद यानी एस एस राजा मौली के पिता के साथ काम करने की ख्वाहिश जताई, और उन्होंने भी एटली के साथ काम करने के लिए हाँ कर दिया था। इसी के चलते एटली ने अपने फिल्म मार्शल की कहानी उन्हें सुनाई। इस फिल्म में विजय थलापति नजर आए थे, और यही टैलेंटेड डायरेक्टर है अब शाहरुख खान के जवान डायरेक्ट कर चुके हैं। देखते हैं दोस्तों कि टॉलीवुड के साथ साथ बॉलीवुड में क्या वो अपनी मजबूत स्टोरी लाइन से सबको इम्प्रेस कर पाते हैं या नहीं। अब डायरेक्टर एटली कुमार के करियर में अगर उनके लिए कोई लकी चार्म साबित हो पाया है तो वो है साउथ सुपरस्टार विजय थलापति। एटली ने अपने करियर में सिर्फ 5 फिल्में की हैं, उसमें से भी 3 फिल्मों में विजय ने ही काम किया है, फिल्म खैरी हो या फिर मार्शल या फिर बिगिल। और अब विजय फिल्म जवान में भी कैमियो करने जा रही हैं, वो भी सिर्फ एटली के कहने पर। पर दोस्तों, अब जैसे कि थलापति फिल्म में दुनिया को बाय बाय कहने का सोच रहे हैं, तो इसके आगे एटली उन्हें कैसे कास्ट कर पाएंगे, क्योंकि विजय हर बार उनके लिए लकी साबित हो चुके हैं। और इतना ही नहीं बल्कि थलापति 68 फिल्म को भी एटली ही डायरेक्ट करेंगे, ऐसा कहा जा रहा था, जो शायद दोस्तों थलापति की आखिरी फिल्म हो सकती है। पर दोस्तों, उसे कोई और ही डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहा है, तो अगर एटली को विजय की जरूरत पड़ेगी तो वो उन्हें कैसे बुलाएंगे। खैर दोस्तों, ये तो नहीं पता, पर देखते हैं कि जवान में विजय को उन्होंने किस तरह से रिप्रेजेंट किया है। आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज के राइटर हैं तृप्त। कौन होगा पुष्पा का सबसे बड़ा दुश्मन, कैसे होगी कहानी की शुरुआत, द बेस्ट फ्रेंड ट्विस्ट। अगर आपने पुष्पा मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि पुष्पा का राइट हैंड उसका बेस्ट फ्रेंड होता है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि पुष्पा का बेस्ट फ्रेंड सेकेंड पार्ट में उसका बड़ा दुश्मन बन सकता है। पुष्पा के दोस्त के चेहरे पर मत जाओ, इनकी एक बैक स्टोरी भी है जिसमें उनकी हाथ की उंगली कट गई थी। अब उंगली मजाक में तो नहीं कटी होगी, ये दोस्त कोई सीक्रेट एजेंट हो सकता है जिसका काम पुष्पा को सही मौका मिलते ही खत्म कर देना हो सकता है। इसके कहने पर ये तो मुझे नहीं पता। अब यहीं से निकलता है दूसरा पॉइंट जो है पुष्पा की कहानी को हिलाकर रख सकता है। पर मैं इससे पहले अपने सेकंड पॉइंट पर जाती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ एक ऐसी स्टोरी बॉलीवुड मूवी में रह चुकी है उदाहरण के रूप में अजनबी। और मैं आपको ये बता दूँ कि पुष्पा मूवी का क्लाइमेक्स बहुत ही जोरदार होगा, बॉलीवुड मूवी की तरह फीका नहीं होगा। चांसेस है कि अल्लू अर्जुन अंडरवर्ल्ड ऑपरेशन में ड्यूटी कर रहे हो और उनका टारगेट है सैंडलवुड स्मगलिंग गैंग को जड़ से उखाड़ फेंकना, वो कैसे होगा। सबसे बेस्ट तरीका है उनमें से एक बनने का नाटक कर लो, पहले श्रीनू और रेड्डी को एक दूसरे से भिड़ा दो और बाद में दोनों गैंग के इम्पोर्टेंट मेंबर्स को जान से मार दो, धीरे धीरे सारे स्मगलर खत्म हो जाएंगे। इसलिए भी हो सकता है कि अगर आपने मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा पुष्पा इनसे अचानक मिलता है। पुष्पा का स्मगलर से कोई पास्ट कनेक्शन नहीं है और स्मगलिंग का माल एक शहर से दूसरे शहर पुलिस से बचाकर कैसे पहचानना है, ये एक पुलिस वाले से बेहतर कौन जानता होगा। यानी पुष्पा का कोई तो राज है। देखना ये है कि दाल में कुछ तो काला है या दाल पूरी की पूरी काली है। कनेक्शन में जापान फिल्म की शुरुआत में पुष्पा की कहानी रिवर्स में सुनाई जाती है। इसकी शुरुआत में ही क्लाइमैक्स है, जिसने मूवी देखी होगी उसे ये डायलॉग पता होगा। एक गिटार जो जापान में मिलता है और वो बहुत महंगा है और लाल चुनर की लकड़ी से बनाया जाता है। इस लकड़ी को इंडिया से बाहर जाने का काम अपने पुष्पा राज करते हैं। यानी पुष्पा राज की कहानी सेकंड पार्ट में नेशनल नहीं इंटरनेशनल जाने वाली है। तो दोस्तों, इस पर आपके क्या को क्यों दी तवज्जो, क्या है प्रीव्यू का मतलब,
क्यों किया इसका इस्तेमाल? क्या पठान से ज्यादा हो सकती है कमाई? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना बेहतरीन चैनल बॉलिंग ग्रैंड स्टूडियोज। जवान का ट्रेलर आते ही चारों तरफ कोहराम मच गया है, किसी के दिल में और किसी के दिमाग में। दिल वाली बात एसआरके पर छोड़ते हैं, हम करते हैं दिमाग वाली बात और पैसे वाली बात। जवान की हाइप पठान के सुपरहिट होने के बाद से ही बनी हुई थी। कहा जा रहा था कि जवान को एक अलग अंदाज में पेश किया जाएगा और हुआ भी। बहुत सारे लुक्स के एसआर के ट्रेलर लाए और खुजली छोड़ गए लोगों के दिमाग में कि भाई आखिर ये इंसान करना क्या चाहता है। ट्रेलर भी दिखा गए और कहानी भी पता नहीं चलने दी, जिससे आधों की तो वैसे ही जल गई। खैर, ये भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ही है, जिससे जवान की चार लोगों के बीच बातें होती रहे। इसके साथ साथ साउथ के डायरेक्टर एटली बिल्कुल वैसा ही मसाला लेकर आए हैं जो साउथ की एक्शन फिल्मों में देखने को मिलता है। शाहरुख खान के फैंस इस प्रीव्यू को देखकर कतई निराश नहीं हुए, जमकर फैंस के रिएक्शन आ रहे हैं। जवान रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा बनाई गई है, जिसे एटली ने डायरेक्ट किया है। बौरी खान इसकी प्रोड्यूसर है और गौरव वर्मा को प्रोड्यूसर है। जवान फिल्म के लिए मेकर्स अलग तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। वो इस फिल्म को कुछ ऐसे प्रमोट करना चाहते हैं जो शायद पहले ना हुआ हो। इसीलिए ही जवान ट्रेलर के लिए प्रीव्यू शब्द इस्तेमाल किया गया, जिसका मतलब होता है एक विज्ञापन जिसमें एक मोशन पिक्चर के छोटे सीन्स शामिल हो जो आने वाले भविष्य में प्रदर्शित होंगे। हालांकि इसका अर्थ भी ट्रेलर ही होता है। मेकर सीधे ट्रेलर शब्द ही यूज कर सकते थे, लेकिन सिर्फ क्यूरोसिटी जगाने के लिए प्रीव्यू शब्द इस्तेमाल हुआ। ऐसा कहा जा रहा है कि 10 जुलाई को आए ट्रेलर के बाद फिल्म के कुछ गाने रिलीज किए जाएंगे, फिर अगस्त में एक फाइनल ट्रेलर आएगा, इसके बाद सीधे 7 सितंबर को पिक्चर आएगी। जवान का भयानक बंद बना हुआ है। पठान के बाद ये इस साल की सबसे बड़ी फिल्म हो सकती है। अगर फिल्म का कंटेंट अच्छा होता है तो इसके पठान से भी ज्यादा पैसे कमाने के पूरे आसार हैं। इसे एटली डायरेक्ट कर रहे हैं। तमिल फिल्मों के सफलता मेकर्स में उनकी गिनती होती है। आज तक उनकी डायरेक्ट की गई कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई है, क्योंकि जवान में कई साउथ के एक्टर भी काम कर रहे हैं, इसीलिए फिल्म की वहाँ भी ठीक ठाक चर्चा है। यानी साउथ में जवान शाहरुख की पिछली फिल्म पठान के मुकाबले बढ़िया पैसा कमाने वाली है और ये पिक्चर कुल कमाई पर असर डालेगा। इसी के साथ ट्रेलर में ट्रेन लूटने वाला तगड़ा एक्शन सीक्वेंस की झलक दिखाई गई है, जहां एसआरके को बैग उठाते हुए ट्रेन के अंदर जाते हुए दिखाया गया है। इसकी झलक भी ट्रेलर में मिल गई है। कई जगह ऐसा भी कहा जा रहा था कि फिल्म की पूरी कहानी ही ट्रेन रॉबरी के इर्द गिर्द घूमेगी। ऐसा संभव भी है, क्योंकि ट्रेलर में ट्रेन को काफी तवज्जो दी गई है। ट्रेन वाला सीन मुंबई मेट्रो का हो सकता है, क्योंकि जब शाहरुख मेट्रो में घुस रहे होते हैं तो ट्रेन पर घाटकोपर लिखा मिलता है। ऐसा भी कहा गया था कि फिल्म में शाहरुख का डबल रोल होने वाला है, जिसमें वो अलग अलग लुक को कैरी करेंगे। जवान में शाहरुख के साथ विजय सेतुपति, नयनतारा, सान्या मल्होत्रा, सुनील ग्रोवर और योगी बाबू काम कर रहे हैं। दीपिका पादुकोण और संजय दत्त गेस्ट रोल में नजर आएंगे। आपको बता दें कि ये ट्रेलर ना बिल्कुल बस क्रिएट कर रहा है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आपकी क्या राय है इस ट्रेलर को लेकर के। अपनी राय हमें बताइए फटाफट से कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते इस बारे में करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। जैसे चर्चा में है, लंबे समय से दर्शक बड़े पर्दे पर एक्टर की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। एक्टर बेशक ही 4 साल से किसी फिल्म में नजर नहीं आए, लेकिन बीते दिनों में शाहरुख खान ने बैक टू बैक फिल्मों का ऐलान करके अपने सारे फैंस को खुश कर दिया। उनको स्क्रीन पर वापसी करते देखना उनके फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं। अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो उन फिल्मों में से एक जवान फिल्म भी है। ये फिल्म अपनी अनाउंसमेंट के साथ ही चर्चाओं में बनी हुई है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जवान के साथ ही खतरनाक लुक सामने आया शाहरुख खान का, और उस खतरनाक लुक के साथ ही ये भी अपडेट सामने आई कि इस फिल्म में लेडी सुपरस्टार नयनतारा नजर आने वाली हैं। एक और बात, पहले ही इस बात का खुलासा हो चुका है कि शाहरुख खान की इस फिल्म का सीधा कनेक्शन टॉलीवुड से है। इस बात का खुलासा होते ही दर्शकों के बीच फिल्म के लिए एक्साइटमेंट काफी बढ़ गया। ऐसे में अब इस फिल्म को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसे सुनने के बाद किसी को भी झटका लगेगा और हर कोई झूमने पर मजबूर हो जाएगा। वैसे तो हर तरफ चर्चा थी कि तमिल डायरेक्टर अटली के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण, नयनतारा, सान्या मल्होत्रा, राणा दुगुपति और लीड रोल प्ले करते नजर आने वाले हैं। लेकिन अब की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि राणा दुगुपति की जगह इस फिल्म में विजय सेतुपति ने ली है।
जी हाँ, सामने आती रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि जवान के मेकर्स ने शुरुआत में बाहुबली फेम एक्टर राणा दग्गुबाती से संपर्क किया, लेकिन डेट्स ना होने के कारण वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। राणा दग्गुपति तो बाहर हो चुके हैं, लेकिन उनकी जगह एंट्री ली है विजय सेतुपति ने। देखा जाए दोस्तों तो इस फिल्म में बॉलीवुड और साउथ के एक्टर्स के एक साथ होने की वजह से फिल्म को लेकर काफी बज बना हुआ है। ऐसे में इस फिल्म में विलेन के रूप में विजय सेतुपति की एंट्री ने फिल्म के लिए सभी को और एक्साइटेड कर दिया है। बता दें कि विजय सेतुपति को आखिरी बार कमल हसन की फिल्म विक्रम में देखा गया। इसके साथ ही टॉलीवुड में ऐसी खबरें भी सामने आ रही कि एक्टर अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा दी रूल में भी वो विलेन के कैरेक्टर में नजर आ सकते हैं। शाहरुख खान स्टारर को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि फिल्म में साउथ के सुपरस्टार थालापति विजय भी कैमियो रोल करते नजर आएंगे। जवान के अलावा भी इन दिनों शाहरुख खान कई फिल्मों में बिजी हैं। आप सभी ने उनको अभी हाल ही में फिल्म रॉकेटरी दी नंबी फैक्ट में देखा होगा, जो माइंड ब्लोइंग फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। वहीं इसके अलावा हम जवान की बात कर रहे हैं, जिसे रेड चिलीज प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनाया जा रहा है। ये प्रोडक्शन हाउस खुद शाहरुख खान का है। ये फिल्म पैन इंडिया लेवल पर रिलीज होने वाली है। फिल्म के प्रोड्यूसर है गौरी खान। पहले ये फिल्म बहुत ही माइंड ब्लोइंग होने वाली है। 30 साल के करियर में ये शाहरुख खान की पहली फिल्म होगी जो पैन इंडिया लेवल पर रिलीज होगी। फिल्म में एक्टर का लुक काफी खौफनाक है, जिसकी झलक फैंस पहले ही टीजर में देख चुके हैं। फिल्म 2 जून 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी, लेकिन उससे पहले पठान फिल्म रिलीज हो रही है और पठान में दीपिका पादुकोण जॉन अब्राहम लीड रोल में नजर आएंगे। पठान माइंड ब्लोइंग फिल्म होने वाली है और बॉक्स ऑफिस पर आते ही शाहरुख खान छाने वाले हैं। वेल, आप किस फिल्म का ज्यादा एक्साइटिंगली वेट कर रहे हैं, जवान फिल्म का या फिर पठान का? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। वे कूट कूट कर भरी थी। जब वो गांव लौटते थे तो वहाँ के बच्चों के साथ वो बातें करते, खेलते, उन्हें भारतीय सेना के बारे में कहानियां सुनाते। वहां से लौटने के बाद उनकी पोस्टिंग हुई सियाचिन ग्लेशियर में। ये वही ग्लेशियर है जहां टेम्परेचर माइनस में जाता है ऐसी कपकपाती ठंड कि शरीर को पिघला दे। वहां से वो चंडीगढ़ में गए जहां उन्होंने ट्रेनिंग ली और फिर वो निकले अपने नए सफर पर। सियाचिन ग्लेशियर चढ़ने से पहले मनोहर पाटिल ने अपने परिवार को कॉल किया और कहा कि आज वो ग्लेशियर चढ़ने वाले। फिर कुछ दिन बीत गए, उनका फिर से कॉल आया और उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश है क्योंकि वो पोस्ट के बड़े करीब है और शायद उतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद नेटवर्क ना मिले, इसलिए वो आज ही संवाद करने वाले हैं। कुछ दिन और बीत गए पर उनका कॉल नहीं आया। फिर 16 जुलाई को शाम 8 बजे उनके यूनिट से उनके परिवार को कॉल किया गया कि मनोहर पाटिल को इंजुरी हो गई और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। फिर कुछ दिन बीत गए, फिर से उनके यूनिट का कॉल गया और कहा गया कि उनकी हालत बड़ी नाजुक है और उन्हें दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। उनका परिवार रोने लगा। आर्मी द्वारा उनके परिवार को यह भी बताया गया कि उनके परिवार में से कोई भी दो लोग दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि मनोहर पाटिल की ब्रेन सर्जरी हुई है और वो भी बेहोश है। 20 दिन बीत गए और मनोहर पाटिल को होश नहीं आया। उसके अगले दिन बाद उन्हें एक होश आया। उनकी हालत बड़ी नाजुक थी, वो कुछ कह नहीं पा रहे थे, ना हिल पा रहे थे, ना डुल पा रहे थे। उनका परिवार सिर्फ भगवान को प्रार्थना कर रहा था। फिर उसके अगले दिन मनोहर पाटिल की शरीर सुकड़ने लगी और उनकी सांसें बहुत तेज होने लगी और देखते ही देखते मनोहर पाटिल ने इस देश को छोड़ दिया। तो ऐसी ही एक वीर जवान की स्टोरी हो सकती है हमारी शाहरुख खान स्टारर जवान। जाते जाते आपके लिए गुड न्यूज है, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक बने। कब शुरू होगी शाहरुख खान और नयनतारा के गाने की शूटिंग? क्या दीपिका पादुकोण देंगी शाहरुख और नयनतारा का साथ? दोस्तों, साउथ फिल्म मेकर इटली कुमार और हमारे शाहरुख खान अपनी फिल्म जवान के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ये फिल्म 2023 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में शामिल है। इस हाई बजट फिल्म में शाहरुख के साथ नयनतारा, विजय सेतुपति जैसे माहिर एक्टर्स भी नजर आएंगे। अब इस फिल्म को लेकर ये बताया जा रहा है कि फिल्म का पहला गाना शूट होने वाला है। इस गाने को कंपोज करेंगे फेमस कंपोजर अनिरुद्ध। अप्रैल के पहले हफ्ते में गाने की शूटिंग होगी, वो भी मुंबई में। वैसे फिल्म के लिए अप्रैल महीना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस महीने में फिल्म के दो गाने शूट हो जाएंगे।
इटली कुमार का ये प्लान है कि ये दोनों ही गाने सुपरहिट होने चाहिए, जिसके ऊपर फिल्म का सक्सेस डिपेंड करता है, और वो चाहते हैं कि गाने को लेकर कोई कंट्रोवर्सी ना हो। सो लेट्स वेट फॉर दिस। वैसे पठान के बाद शाहरुख खान जवान में इतने बिजी हो गए हैं कि अब उनकी एक झलक देखने के लिए भी उनके फैंस तरस रहे हैं। वैसे हम जल्द ही शाहरुख खान को फिल्म के जबरदस्त गानों में देखने वाले हैं, और जहां तक अप्रैल के पहले हफ्ते में पहला गाना शूट होगा तो उसकी झलक हमें जल्द ही देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं बल्कि फिल्म का दूसरा गाना शूट होगा जिसमें हमें दीपिका पादुकोण नजर आने वाली है, यानी कि दीपिका पादुकोण इस फिल्म में कैमियो करते हुए नजर आने वाली है। कहा जाता है कि ये गाना 15 अप्रैल तक रिकॉर्ड हो सकता है। वैसे बेशरम रंग गाने को लेकर जो बवाल हुआ था उसे ध्यान में रखते हुए इटली कुमार बहुत ही सावधानी से गाने को शूट करना चाहते हैं। देखते हैं कि इटली और शाहरुख का डुओ क्या कमाल करता है। अगर रिलीज की बात की जाए तो ये फिल्म 2 जून 2023 को रिलीज होगी। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय। नाटो सेना उसे ढूंढ रही थी, तभी सेना को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि 25 से 30 गाड़ियों का एक काफिला उस गांव की तरफ देखा गया है। सेना हेलीकॉप्टर से बमबारी करने लगी। आधी से ज्यादा गाड़ियां बमबारी में उड़ गई और जितने बच्चे लोग थे वो गांव की गलियों में तरबतर भागने लगे। विद्रोहियों ने एक छोटे से पाइप में छुपे गद्दाफी को बाहर आने की नसीहत दी। उसे कहा गया कि सेना उस पर हमला नहीं करेगी अगर वो सरेंडर कर देगा। जैसे ही गद्दाफी बाहर आया उसके दोनों पैरों पर विद्रोहियों ने गोली मार दी। विद्रोहियों का गुस्सा बढ़ चुका था और सेना भी दूर थी। ऐसे में जब तक सेना वहां पहुंच पाई तब तक विद्रोहियों ने गद्दाफी को उसी की सोने के पिस्टल से गोली मार दी। ऐसे ही एक्शन पैक्ड होने वाली है शाहरुख खान स्टारर जवान। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अब जाते जाते आपके लिए फायदे की बात, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए इस जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए तब तक के लिए जाहा गया था। अब अपकमिंग फिल्म का एक नया पोस्टर सोशल मीडिया पर लीक हो गया है। इसमें शाहरुख खान के लंबे बाल नजर आ रहे हैं, चेहरे पर बैंडेज के साथ मिस्ट्री लुक बरकरार रखा गया है और हाथ में नाइफ है जिसके अंदर SRK का एक अलग चेहरा है। इसने फिल्म के लिए उम्मीदों को और भी बढ़ा दिया है, जबकि कई प्रशंसक टीजर में उनके बैंडेज और चोटिल लुक से शॉक्ड हैं, तो यहाँ जवान का लुक 1990 के लोकप्रिय हॉलीवुड एंटी हीरो फिल्म डार्क मैन के समान ही लग रहा है। दोस्तों ईयर 1990 की सुपर हीरो फिल्म में लियाम नीसन ने टाइटैनिक एंटी हीरो की भूमिका निभाई थी, जिसे जिंदा जलाने के बाद मृत के लिए छोड़ दिया गया था। उसने अपनी विकृत त्वचा को छिपाने के लिए खुद को पट्टियों में लपेट लिया और उन लोगों से बदला लेने के लिए लौट आया जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी। बैंडेड लुक और फिल्म जवान के पोस्टर के गहन विषय ने कई फैंस को तुलना करने के लिए प्रेरित किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान ने डार्क मैन से जवान लुक की नकल की। एक यूजर ने लिखा, शाहरुख जी 1990 की डार्क मैन हॉलीवुड फिल्म नहीं देखी क्या? दोस्तों आप बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है और आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय। खान अपने डबल रोल में इंटेंस चेस सीक्वेंस के साथ जवान की शूटिंग खत्म करेंगे और अब इस फिल्म को लेकर लेटेस्ट अपडेट ये है कि फिल्म की लीडिंग लेडी नयनतारा ने भी एक हफ्ते के मुंबई शेड्यूल को पूरा कर लिया है। नयनतारा ने जवान का 9 दिन का लंबा शेड्यूल पूरा कर लिया है और अब वो 8 मार्च को चेन्नई वापस चली गई। नयनतारा का जवान के लिए मुंबई शेड्यूल काफी अच्छा रहा। उन्होंने इस शेड्यूल में शाहरुख के साथ कुछ महत्वपूर्ण दृश्यों को शूट किया है जबकि कुछ की शूटिंग राजस्थान में ही जाएगी। हालांकि मेकर्स ने अभी इसके लिए डेट्स लॉक नहीं किए हैं। कुछ सीन्स ऐसे हैं जो निश्चित रूप से लोगों की जिज्ञासा को बढ़ा देंगे। जवान में शाहरुख खान के अलावा प्रिया मणि, सान्या मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। वहीं नेगेटिव रोल में विजय सेतुपति नजर आएंगे। फिल्म का संगीत लोकप्रिय दक्षिण संगीत निर्देशक अनिरुद्ध रविचंद्र ने तैयार किया है।
शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित जवान 2 जून 2023 को 5 भाषाओं हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज होगी। तो दोस्तों, आपको इनके एक्शन सीन्स का कितना इंतजार है, हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और फिलहाल के लिए बढ़ चुके हैं। दरअसल जवान फिल्म का पोस्टर अभी वायरल हो रहा है, जिसे खुद फैंस ने बड़ी मेहनत से बनाया है अपने किंग खान के लिए। जी हाँ, शाहरुख खान के कोलकाता फैन क्लब ने उनका ये पोस्टर वायरल कर दिया है। इसमें शाहरुख खान ब्लैक कलर के अटायर में हाथ में मशीन गन पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ उनके मुंह में जलती सिगरेट भी नजर आ रही है। शाहरुख का ये स्वैग सबको दीवाना बना रहा है, और इस फैन मेड पोस्टर पर नेटिजन्स काफी अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं। दोस्तों, सबने यही कहा है कि कोलकाता वालों ने किंग खान पर अपना जो प्यार बरसाया है, उसे देखकर किंग खान जरूर खुश होंगे। कोलकाता वाले शाहरुख का एक्शन अवतार देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पर उन्हें 2 जून 2023 तक रुकना पड़ेगा जब फिल्म रिलीज होगी। वैसे शाहरुख के साथ फिल्म में नयनतारा नजर आने वाली है, विजय सेतुपति विलन बने हैं, और संजू बाबा और डिंपल गर्ल दीपिका का कैमियो होने वाला है। मतलब ये एक मल्टी स्टार फिल्म है। वैसे जब शाहरुख ट्विटर पर अपना हैशटैग आस्क एसआरके नाम का सेगमेंट करेंगे, जिसमें फैंस उन्हें सवाल पूछते हैं, उसमें शाहरुख इस पोस्टर को लेकर भी बात कर सकते हैं और उन्हें थैंक यू भी कह सकते हैं। देखते हैं कि अब शाहरुख खान इस पोस्टर पर क्या कहते हैं। तो दोस्तों, आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो। प्राउड फील हो ऐसा काम कर चुके हैं, वहां पर उनसे जुड़ी हर एक छोटी खबर इम्पोर्टेंट है। वैसे जवान का जो पोस्टर था, जिसमें पट्टियों में अपना चेहरा लपेटे हुए शाहरुख को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि उनका किरदार किस तरह का होगा, पर इस सवाल का थोड़ा सा जवाब देते हुए मेकर्स ने खुलासा किया है कि शाहरुख खान फिल्म में डबल रोल निभाएंगे और उनके एक कैरेक्टर का नाम होगा राजवर्धन ठाकुर, पर दूसरे कैरेक्टर का नाम अभी तक नहीं बताया गया है। पर कुछ गौर किया आपने, शाहरुख और राज, इनका कुछ ना कुछ पिछले जन्म का कनेक्शन है, तभी तो यहाँ पर भी उनके नाम में राज मौजूद है। और उनके इस नाम के कैरेक्टर कितने फेमस हो चुके हैं ये तो हम जानते ही हैं। उसमें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मोहब्बतें, दीवाना, चलते चलते, राजू बन गया जेंटलमैन, रोहित शेट्टी के दिलवाले, हे बेबी, बादशाह और रब ने बना दी जोड़ी, ऐसी 9 फिल्में शामिल हैं जिसमें राज का आइकॉनिक कैरेक्टर नजर आया था या आइकॉनिक कैरेक्टर बन गया। वैसे जवान में हमें दीपिका पादुकोण और संजय दत्त कैमियो करते हुए नजर आएंगे, पर उनका कैरेक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसी के साथ साथ फिल्म में नयनतारा, सान्या मल्होत्रा और फिल्म के विलन विजय सेतुपति भी नजर आने वाले हैं। साउथ फिल्म मेकर एटली कुमार फिल्म के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये एक पैन इंडिया फिल्म है। तो देखते हैं कि 2023 में ये जवान क्या धमाका करता है। साथ ही जाते जाते आप बताइए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान ने यशराज फिल्म्स की एक्शन एंटरटेनर पठान के टाइटल ट्रैक झूमे जो पठान में एक साथ थिरकते हुए दुनिया में तूफान ला दिया। अब ये जोड़ी एटली के जवान के लिए एक और मैसी नंबर के लिए फिर से मिल रही है, जहां दीपिका पादुकोण एक कैमियो लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देने के लिए तैयार हैं। एटली 20 अप्रैल तक अपनी बहुत प्रतीक्षित मसाला फिल्म की शूटिंग पूरी कर लेंगे। फिल्म की शूटिंग 5 अप्रैल तक पूरी हो जाएगी, केवल 2 गानों की शूटिंग अभी बाकी है, जहां एक तरफ शाहरुख खान और नयनतारा के साथ शूट किया जाने वाला एक रोमांटिक नंबर है, वहीं दूसरा दीपिका और शाहरुख की मौजूदगी वाला एक ट्रैक है। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान पहले ही पठान के टाइटल ट्रैक झूमे जो पठान के साथ चार्ट बस्टर पर हिट हो चुके हैं। फिल्म का दूसरा मैसी ट्रैक बेशर्म रंग था, जहां दीपिका पादुकोण के बदले अवतार ने इंटरनेट तोड़ दिया था। जवान फिल्म का मैसी धमाकेदार नंबर इस साल उनका तीसरा ग्रूवी गाना होगा, और फैंस पहले से ही उनकी केमिस्ट्री को फिर से देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा दिया गया है और अन्य डिटेल्स गुप्त रखे गए हैं। शाहरुख खान पहले 7 अप्रैल को नयनतारा के साथ रोमांटिक ट्रैक शूट करेंगे, फिर दीपिका पादुकोण के साथ गाने की शूटिंग करेंगे।
कथित तौर पर दीपिका पादुकोण फिल्म में शाहरुख खान की पत्नी की भूमिका निभाती है जिसे मार दिया जाता है और अभिनेता अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए एक मिशन पर निकल जाता है। शाहरुख खान फिल्म में दोहरी भूमिका निभा रहे हैं जहां उन्होंने पिता और पुत्र की भूमिका निभाई है। फिल्म ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर और पठान के बाद शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की साथ में ये पांचवी फिल्म होगी। व्यूज की बात करें तो पठान फिल्म के बेशरम रंग ने यशराज फिल्म्स के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 391 मिलियन से अधिक व्यूज बटोरे हैं, जबकि झूमे जो पठान ने 422 मिलियन व्यूज हासिल किए हैं। जवान शाहरुख खान नयनतारा और विजय सेतुपति के साथ दीपिका पादुकोण एक विशेष भूमिका में है। 2 जून 2023 को स्क्रीन पर हिट होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार। उनमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। जब वो गांव लौटते थे तो वहां के बच्चों के साथ वो बातें करते, खेलते, उन्हें भारतीय सेना के बारे में कहानियां सुनाते। वहां से लौटने के बाद उनकी पोस्टिंग हुई सियाचिन ग्लेशियर में। ये वही ग्लेशियर है जहां टेम्परेचर माइनस में जाता है ऐसी कपकपाती ठंड कि शरीर को पिघला दे। वहां से वो चंडीगढ़ में गए जहां उन्होंने ट्रेनिंग ली और फिर वो निकले अपने नए सफर पर। सियाचिन ग्लेशियर चढ़ने से पहले मनोहर पाटिल ने अपने परिवार को कॉल किया और कहा कि आज वो ग्लेशियर चढ़ने वाले। फिर कुछ दिन बीत गए, उनका फिर से कॉल आया और उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश है क्योंकि वो पोस्ट के बड़े करीब है और शायद उतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद नेटवर्क ना मिले इसलिए वो आज ही सब बात करने वाले हैं। कुछ दिन और बीत गए पर उनका कॉल नहीं आया। फिर 16 जुलाई को शाम 8 बजे उनके यूनिट से उनके परिवार को कॉल किया गया कि मनोहर पाटिल को इंजरी हो गई है और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। फिर कुछ दिन बीत गए, फिर से उनके यूनिट का कॉल गया और कहा गया कि उनकी हालत बड़ी नाजुक है और उन्हें दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। उनका परिवार रोने लगा। आर्मी द्वारा उनके परिवार को यह भी बताया गया कि उनके परिवार में से कोई भी दो लोग दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि मनोहर पाटिल की ब्रेन सर्जरी हुई है और वो भी बेहोश है। 20 दिन बीत गए और मनोहर पाटिल को होश नहीं आया। उसके अगले दिन बाद उन्हें एक होश आया। उनकी हालत बड़ी नाजुक थी, वो कुछ कह नहीं पा रहे थे, ना हिल पा रहे थे, ना डुल पा रहे थे। उनका परिवार सिर्फ भगवान को प्रार्थना कर रहा था। फिर उसके अगले दिन मनोहर पाटिल की शरीर सुकड़ने लगी और उनकी सांसें बहुत तेज होने लगी और देखते ही देखते मनोहर पाटिल ने इस देश को छोड़ दिया। तो ऐसी ही एक वीर जवान की स्टोरी हो सकती है हमारी शाहरुख खान स्टारर जवान। जाते जाते आपके लिए गुड न्यूज है, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक बने। कब शुरू होगी शाहरुख खान और नयनतारा के गाने की शूटिंग? क्या दीपिका पादुकोण देंगी शाहरुख और नयनतारा का साथ? दोस्तों, साउथ फिल्म मेकर इटली कुमार और हमारे शाहरुख खान अपनी फिल्म जवान के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ये फिल्म 2023 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में शामिल है। इस हाई बजट फिल्म में शाहरुख के साथ नयनतारा, विजय सेतुपति जैसे माहिर एक्टर्स भी नजर आएंगे। अब इस फिल्म को लेकर ये बताया जा रहा है कि फिल्म का पहला गाना शूट होने वाला है। इस गाने को कंपोज करेंगे फेमस कंपोजर अनिरुद्ध। अप्रैल के पहले हफ्ते में गाने की शूटिंग होगी, वो भी मुंबई में। वैसे फिल्म के लिए अप्रैल महीना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस महीने में फिल्म के दो गाने शूट हो जाएंगे। इटली कुमार का ये प्लान है कि ये दोनों ही गाने सुपरहिट होने चाहिए, जिसके ऊपर फिल्म का सक्सेस डिपेंड करता है और वो चाहते हैं कि गाने को लेकर कोई कंट्रोवर्सी ना हो। सो लेट्स वेट फॉर दिस। वैसे पठान के बाद शाहरुख खान जवान में इतने बिजी हो गए हैं कि अब उनकी एक झलक देखने के लिए भी उनके फैंस तरस रहे हैं। वैसे हम जल्द ही शाहरुख खान को फिल्म के जबरदस्त गानों में देखने वाले हैं और जहां तक अप्रैल के पहले हफ्ते में पहला गाना शूट होगा तो उसकी झलक हमें जल्द ही देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं बल्कि फिल्म का दूसरा गाना शूट होगा जिसमें हमें दीपिका पादुकोण नजर आने वाली है, यानी कि दीपिका पादुकोण इस फिल्म में कैमियो करते हुए नजर आने वाली है।
कहा जाता है कि ये गाना 15 अप्रैल तक रिकॉर्ड हो सकता है। वैसे बेशरम रंग गाने को लेकर जो बवाल हुआ था उसे ध्यान में रखते हुए इटली कुमार बहुत ही सावधानी से गाने को शूट करना चाहते हैं। देखते हैं कि इटली और शाहरुख का डुओ क्या कमाल करता है। अगर रिलीज की बात की जाए तो ये फिल्म 2 जून 2023 को रिलीज होगी। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय। नाटो सेना उसे ढूंढ रही थी, तभी सेना को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि 25 से 30 गाड़ियों का एक काफिला उस गांव की तरफ देखा गया है। सेना हेलीकॉप्टर से बमबारी करने लगी। आधी से ज्यादा गाड़ियां बमबारी में उड़ गई और जितने बच्चे लोग थे वो गांव की गलियों में तर बतर भागने लगे। विद्रोहियों ने एक छोटे से पाइप में छुपे गद्दाफी को बाहर आने की नसीहत दी। उसे कहा गया कि सेना उस पर हमला नहीं करेगी अगर वो सरेंडर कर देगा। जैसे ही गद्दाफी बाहर आया उसके दोनों पैरों पर विद्रोहियों ने गोली मार दी। विद्रोहियों का गुस्सा बढ़ चुका था और सेना भी दूर थी। ऐसे में जब तक सेना वहां पहुंच पाई तब तक विद्रोहियों ने गद्दाफी को उसी की सोने के पिस्टल से गोली मार दी। ऐसे ही एक्शन पैक्ड होने वाली है शाहरुख खान स्टारर जवान। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अब जाते जाते आपके लिए फायदे की बात, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए इस जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए तब तक के लिए जाहा गया था। अब अपकमिंग फिल्म का एक नया पोस्टर सोशल मीडिया पर लीक हो गया है। इसमें शाहरुख खान के लंबे बाल नजर आ रहे हैं, चेहरे पर बैंडेज के साथ मिस्ट्री लुक बरकरार रखा गया है और हाथ में नाइफ है जिसके अंदर SRK का एक अलग चेहरा है। इसने फिल्म के लिए उम्मीदों को और भी बढ़ा दिया है, जबकि कई प्रशंसक टीजर में उनके बैंडेज और चोटिल लुक से शॉक्ड हैं, तो यहाँ जवान का लुक 1990 के लोकप्रिय हॉलीवुड एंटी हीरो फिल्म डार्क मैन के समान ही लग रहा है। दोस्तों ईयर 1990 की सुपर हीरो फिल्म में लियाम नीसन ने टाइटैनिक एंटी हीरो की भूमिका निभाई थी, जिसे जिंदा जलाने के बाद मृत के लिए छोड़ दिया गया था। उसने अपनी विकृत त्वचा को छिपाने के लिए खुद को पट्टियों में लपेट लिया और उन लोगों से बदला लेने के लिए लौट आया जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी। बैंडेड लुक और फिल्म जवान के पोस्टर के गहन विषय ने कई फैंस को तुलना करने के लिए प्रेरित किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान ने डार्क मैन से जवान लुक की नकल की। एक यूजर ने लिखा, शाहरुख जी 1990 की डार्क मैन हॉलीवुड फिल्म नहीं देखी क्या? दोस्तों आप बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है और आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय। खान अपने डबल रोल में इंटेंस चेस सीक्वेंस के साथ जवान की शूटिंग खत्म करेंगे और अब इस फिल्म को लेकर लेटेस्ट अपडेट ये है कि फिल्म की लीडिंग लेडी नयनतारा ने भी एक हफ्ते के मुंबई शेड्यूल को पूरा कर लिया है। नयनतारा ने जवान का 9 दिन का लंबा शेड्यूल पूरा कर लिया है और अब वो 8 मार्च को चेन्नई वापस चली गई। नयनतारा का जवान के लिए मुंबई शेड्यूल काफी अच्छा रहा। उन्होंने इस शेड्यूल में शाहरुख के साथ कुछ महत्वपूर्ण दृश्यों को शूट किया है जबकि कुछ की शूटिंग राजस्थान में ही जाएगी। हालांकि मेकर्स ने अभी इसके लिए डेट्स लॉक नहीं किए हैं। कुछ सीन्स ऐसे हैं जो निश्चित रूप से लोगों की जिज्ञासा को बढ़ा देंगे। जवान में शाहरुख खान के अलावा प्रिया मणि, सान्या मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। वहीं नेगेटिव रोल में विजय सेतुपति नजर आएंगे। फिल्म का संगीत लोकप्रिय दक्षिण संगीत निर्देशक अनिरुद्ध रविचंद्र ने तैयार किया है। शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित जवान 2 जून 2023 को 5 भाषाओं हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज होगी। तो दोस्तों आपको इनके एक्शन सीन्स का कितना इंतजार है हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और फिलहाल के लिए बढ़ चुके हैं। दरअसल जवान फिल्म का पोस्टर अभी वायरल हो रहा है जिसे खुद फैंस ने बड़ी मेहनत से बनाया है अपने किंग खान के लिए। जी हाँ, शाहरुख खान के कोलकाता फैन क्लब ने उनका ये पोस्टर वायरल कर दिया है। इसमें शाहरुख खान ब्लैक कलर के अटायर में हाथ में मशीन गन पकड़े हुए नजर आ रहे हैं।
इसी के साथ उनके मुंह में जलती सिगरेट भी नजर आ रही है। शाहरुख का ये स्वैग सबको दीवाना बना रहा है और इस फैन मेड पोस्टर पर नेटिजंस काफी अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं। दोस्तों सबने यही कहा है कि कोलकाता वालों ने किंग खान पर अपना जो प्यार बरसाया है उसे देखकर किंग खान जरूर खुश होंगे। कोलकाता वाले शाहरुख का एक्शन अवतार देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पर उन्हें 2 जून 2023 तक रुकना पड़ेगा जब फिल्म रिलीज होगी। वैसे शाहरुख के साथ फिल्म में नयनतारा नजर आने वाली है, विजय सेतुपति विलन बने हैं और संजू बाबा और डिंपल गर्ल दीपिका का कैमियो होने वाला है। मतलब ये एक मल्टी स्टार फिल्म है। वैसे जब शाहरुख ट्विटर पर अपना हैशटैग आस्क एसआर के नाम का सेगमेंट करेंगे जिसमें फैंस उन्हें सवाल पूछते हैं, उसमें शाहरुख इस पोस्टर को लेकर भी बात कर सकते हैं और उन्हें थैंक यू भी कह सकते हैं। देखते हैं कि अब शाहरुख खान इस पोस्टर पर क्या कहते हैं। तो दोस्तों आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो। प्राउड फील हो ऐसा काम कर चुके हैं, वहां पर उनसे जुड़ी हर एक छोटी खबर इम्पोर्टेंट है। वैसे जवान का जो पोस्टर था जिसमें पट्टियों में अपना चेहरा लपेटे हुए शाहरुख को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि उनका किरदार किस तरह का होगा, पर इस सवाल का थोड़ा सा जवाब देते हुए मेकर्स ने खुलासा किया है कि शाहरुख खान फिल्म में डबल रोल निभाएंगे और उनके एक कैरेक्टर का नाम होगा राजवर्धन ठाकुर, पर दूसरे कैरेक्टर का नाम अभी तक नहीं बताया गया है। पर कुछ गौर किया आपने, शाहरुख और राज, इनका कुछ ना कुछ पिछले जन्म का कनेक्शन है, तभी तो यहाँ पर भी उनके नाम में राज मौजूद है। और उनके इस नाम के कैरेक्टर कितने फेमस हो चुके हैं ये तो हम जानते ही हैं। उसमें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मोहब्बतें, दीवाना, चलते चलते, राजू बन गया जेंटलमैन, रोहित शेट्टी के दिलवाले, हे बेबी, बादशाह और रब ने बना दी जोड़ी, ऐसी 9 फिल्में शामिल हैं जिसमें राज का आइकॉनिक कैरेक्टर नजर आया था या आइकॉनिक कैरेक्टर बन गया। वैसे जवान में हमें दीपिका पादुकोण और संजय दत्त कैमियो करते हुए नजर आएंगे, पर उनका कैरेक्टर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। उसी के साथ साथ फिल्म में नयनतारा, सान्या मल्होत्रा और फिल्म के विलन विजय सेतुपति भी नजर आने वाले हैं। साउथ फिल्म मेकर एटली कुमार फिल्म के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं क्योंकि ये एक पैन इंडिया फिल्म है। तो देखते हैं कि 2023 में ये जवान क्या धमाका करता है। साथ ही जाते जाते आप बताइए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में और वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान ने यशराज फिल्म्स की एक्शन एंटरटेनर पठान के टाइटल ट्रैक झूमे जो पठान में एक साथ थिरकते हुए दुनिया में तूफान ला दिया। अब ये जोड़ी एटली के जवान के लिए एक और मैसी नंबर के लिए फिर से मिल रही है, जहां दीपिका पादुकोण एक कैमियो लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देने के लिए तैयार हैं। एटली 20 अप्रैल तक अपनी बहुत प्रतीक्षित मसाला फिल्म की शूटिंग पूरी कर लेंगे। फिल्म की शूटिंग 5 अप्रैल तक पूरी हो जाएगी, केवल 2 गानों की शूटिंग अभी बाकी है, जहां एक तरफ शाहरुख खान और नयनतारा के साथ शूट किया जाने वाला एक रोमांटिक नंबर है, वहीं दूसरा दीपिका और शाहरुख की मौजूदगी वाला एक ट्रैक है। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान पहले ही पठान के टाइटल ट्रैक झूमे जो पठान के साथ चार्ट बस्टर पर हिट हो चुके हैं। फिल्म का दूसरा मैसी ट्रैक बेशर्म रंग था, जहां दीपिका पादुकोण के बदले अवतार ने इंटरनेट तोड़ दिया था। जवान फिल्म का मैसी धमाकेदार नंबर इस साल उनका 3रा ग्रूवी गाना होगा और फैंस पहले से ही उनकी केमिस्ट्री को फिर से देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा दिया गया है और अन्य डिटेल्स गुप्त रखे गए हैं। शाहरुख खान पहले 7 अप्रैल को नयनतारा के साथ रोमांटिक ट्रैक शूट करेंगे, फिर दीपिका पादुकोण के साथ गाने की शूटिंग करेंगे। कथित तौर पर दीपिका पादुकोण फिल्म में शाहरुख खान की पत्नी की भूमिका निभाती है जिसे मार दिया जाता है और अभिनेता अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए एक मिशन पर निकल जाता है। शाहरुख खान फिल्म में दोहरी भूमिका निभा रहे हैं, जहां उन्होंने पिता और पुत्र की भूमिका निभाई है। फिल्म ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर और पठान के बाद शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की साथ में ये 5वीं फिल्म होगी। व्यूज की बात करें तो पठान फिल्म के बेशरम रंग ने यशराज फिल्म्स के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 391 मिलियन से अधिक व्यूज बटोरे हैं, जबकि झूमे जो पठान ने 422 मिलियन व्यूज हासिल किए हैं।
जवान शाहरुख खान नयनतारा और विजय सेतुपति के साथ दीपिका पादुकोण एक विशेष भूमिका में है। 2 जून 2023 को स्क्रीन पर हिट होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? मैं फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार। उनमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। जब वो गांव लौटते थे तो वहां के बच्चों के साथ वो बातें करते, खेलते, उन्हें भारतीय सेना के बारे में कहानियां सुनाते। वहां से लौटने के बाद उनकी पोस्टिंग हुई सियाचिन ग्लेशियर्स में। ये वही ग्लेशियर है जहां टेम्परेचर माइनस में जाता है ऐसी कपकपाती ठंड कि शरीर को पिघला दे। वहां से वो चंडीगढ़ में गए जहां उन्होंने ट्रेनिंग ली और फिर वो निकले अपने नए सफर पर। सियाचिन ग्लेशियर चढ़ने से पहले मनोहर पाटिल ने अपने परिवार को कॉल किया और कहा कि आज वो ग्लेशियर चढ़ने वाले हैं। फिर कुछ दिन बीत गए, उनका फिर से कॉल आया और उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश है क्योंकि वो पोस्ट के बड़े करीब है और शायद उतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद नेटवर्क ना मिले, इसलिए वो आज ही संवाद करने वाले हैं। कुछ दिन और बीत गए पर उनका कॉल नहीं आया। फिर 16 जुलाई को शाम 8 बजे उनके यूनिट से उनके परिवार को कॉल किया गया कि मनोहर पाटिल को इंजरी हो गई और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। फिर कुछ दिन बीत गए, फिर से उनके यूनिट का कॉल गया और कहा गया कि उनकी हालत बड़ी नाजुक है और उन्हें दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। उनका परिवार रोने लगा। आर्मी द्वारा उनके परिवार को यह भी बताया गया कि उनके परिवार में से कोई भी दो लोग दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि मनोहर पाटिल की ब्रेन सर्जरी हुई है और वो भी बेहोश है। 20 दिन बीत गए और मनोहर पाटिल को होश नहीं आया। उसके अगले दिन बाद उन्हें एक होश आया। उनकी हालत बड़ी नाजुक थी, वो कुछ कह नहीं पा रहे थे, ना हिल पा रहे थे, ना डुल पा रहे थे। उनका परिवार सिर्फ भगवान को प्रार्थना कर रहा था। फिर उसके अगले दिन मनोहर पाटिल की शरीर सुकड़ने लगी और उनकी सांसें बहुत तेज होने लगी और देखते ही देखते मनोहर पाटिल ने इस देश को छोड़ दिया। तो ऐसी ही एक वीर जवान की स्टोरी हो सकती है हमारी शाहरुख खान स्टारर जवान। जाते जाते आपके लिए गुड न्यूज है, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक बने। कब शुरू होगी शाहरुख खान और नयनतारा के गाने की शूटिंग? क्या दीपिका पादुकोण देंगी शाहरुख और नयनतारा का साथ? दोस्तों, साउथ फिल्म मेकर इटली कुमार और हमारे शाहरुख खान अपनी फिल्म जवान के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ये फिल्म 2023 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में शामिल है। इस हाई बजट फिल्म में शाहरुख के साथ नयनतारा, विजय सेतुपति जैसे माहिर एक्टर्स भी नजर आएंगे। अब इस फिल्म को लेकर ये बताया जा रहा है कि फिल्म का पहला गाना शूट होने वाला है। इस गाने को कंपोज करेंगे फेमस कंपोजर अनिरुद्ध। अप्रैल के पहले हफ्ते में गाने की शूटिंग होगी, वो भी मुंबई में। वैसे फिल्म के लिए अप्रैल महीना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस महीने में फिल्म के दो गाने शूट हो जाएंगे। इटली कुमार का ये प्लान है कि ये दोनों ही गाने सुपरहिट होने चाहिए, जिसके ऊपर फिल्म का सक्सेस डिपेंड करता है, और वो चाहते हैं कि गाने को लेकर कोई कंट्रोवर्सी ना हो। सो लेट्स वेट फॉर दिस। वैसे पठान के बाद शाहरुख खान जवान में इतने बिजी हो गए हैं कि अब उनकी एक झलक देखने के लिए भी उनके फैंस तरस रहे हैं। वैसे हम जल्द ही शाहरुख खान को फिल्म के जबरदस्त गानों में देखने वाले हैं, और जहां तक अप्रैल के पहले हफ्ते में पहला गाना शूट होगा तो उसकी झलक हमें जल्द ही देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं बल्कि फिल्म का दूसरा गाना शूट होगा जिसमें हमें दीपिका पादुकोण नजर आने वाली है, यानी कि दीपिका पादुकोण इस फिल्म में कैमियो करते हुए नजर आने वाली है। कहा जाता है कि ये गाना 15 अप्रैल तक रिकॉर्ड हो सकता है। वैसे बेशरम रंग गाने को लेकर जो बवाल हुआ था उसे ध्यान में रखते हुए इटली कुमार बहुत ही सावधानी से गाने को शूट करना चाहते हैं। देखते हैं कि इटली और शाहरुख का डुओ क्या कमाल करता है। अगर रिलीज की बात की जाए तो ये फिल्म 2 जून 2023 को रिलीज होगी। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय। नाटो सेना उसे ढूंढ रही थी, तभी सेना को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि 25 से 30 गाड़ियों का एक काफिला उस गांव की तरफ देखा गया है।
सेना हेलीकॉप्टर से बमबारी करने लगी। आधी से ज्यादा गाड़ियां बमबारी में उड़ गई और जितने बच्चे लोग थे वो गांव की गलियों में तरबतर भागने लगे। विद्रोहियों ने एक छोटे से पाइप में छुपे गद्दाफी को बाहर आने की नसीहत दी। उसे कहा गया कि सेना उस पर हमला नहीं करेगी अगर वो सरेंडर कर देगा। जैसे ही गद्दाफी बाहर आया उसके दोनों पैरों पर विद्रोहियों ने गोली मार दी। विद्रोहियों का गुस्सा बढ़ चुका था और सेना भी दूर थी। ऐसे में जब तक सेना वहां पहुंच पाई तब तक विद्रोहियों ने गद्दाफी को उसी की सोने के पिस्टल से गोली मार दी। ऐसे ही एक्शन पैक्ड होने वाली है शाहरुख खान स्टारर जवान। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अब जाते जाते आपके लिए फायदे की बात, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए इस जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए तब तक के लिए जा गया था। अब अपकमिंग फिल्म का एक नया पोस्टर सोशल मीडिया पर लीक हो गया है। इसमें शाहरुख खान के लंबे बाल नजर आ रहे हैं, चेहरे पर बैंडेज के साथ मिस्ट्री लुक बरकरार रखा गया है और हाथ में नाइफ है जिसके अंदर SRK का एक अलग चेहरा है। इसने फिल्म के लिए उम्मीदों को और भी बढ़ा दिया है, जबकि कई प्रशंसक टीजर में उनके बैंडेज और चोटिल लुक से शॉक्ड हैं, तो यहाँ जवान का लुक 1990 के लोकप्रिय हॉलीवुड एंटी हीरो फिल्म डार्क मैन के समान ही लग रहा है। दोस्तों ईयर 1990 की सुपर हीरो फिल्म में लियाम नीसन ने टाइटैनिक एंटी हीरो की भूमिका निभाई थी, जिसे जिंदा जलाने के बाद मृत के लिए छोड़ दिया गया था। उसने अपनी विकृत त्वचा को छिपाने के लिए खुद को पट्टियों में लपेट लिया और उन लोगों से बदला लेने के लिए लौट आया जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी। बैंडेड लुक और फिल्म जवान के पोस्टर के गहन विषय ने कई फैंस को तुलना करने के लिए प्रेरित किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान ने डार्क मैन से जवान लुक की नकल की। एक यूजर ने लिखा, शाहरुख जी 1990 की डार्क मैन हॉलीवुड फिल्म नहीं देखी क्या? दोस्तों आप बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है और आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय। खान अपने डबल रोल में इंटेंस चेस सीक्वेंस के साथ जवान की शूटिंग खत्म करेंगे और अब इस फिल्म को लेकर लेटेस्ट अपडेट ये है कि फिल्म की लीडिंग लेडी नयनतारा ने भी एक हफ्ते के मुंबई शेड्यूल को पूरा कर लिया है। नयनतारा ने जवान का 9 दिन का लंबा शेड्यूल पूरा कर लिया है और अब वो 8 मार्च को चेन्नई वापस चली गई। नयनतारा का जवान के लिए मुंबई शेड्यूल काफी अच्छा रहा। उन्होंने इस शेड्यूल में शाहरुख के साथ कुछ महत्वपूर्ण दृश्यों को शूट किया है, जबकि कुछ की शूटिंग राजस्थान में ही जाएगी। हालांकि मेकर्स ने अभी इसके लिए डेट्स लॉक नहीं किए हैं। कुछ सीन्स ऐसे हैं जो निश्चित रूप से लोगों की जिज्ञासा को बढ़ा देंगे। जवान में शाहरुख खान के अलावा प्रिया मणि, सान्या मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। वहीं नेगेटिव रोल में विजय सेतुपति नजर आएंगे। फिल्म का संगीत लोकप्रिय दक्षिण संगीत निर्देशक अनिरुद्ध रविचंदर ने तैयार किया है। शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित जवान 2 जून 2023 को 5 भाषाओं हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज होगी। तो दोस्तों आपको इनके एक्शन सीन्स का कितना इंतजार है हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और फिलहाल के लिए बढ़ चुके हैं। दरअसल जवान फिल्म का पोस्टर अभी वायरल हो रहा है, जिसे खुद फैंस ने बड़ी मेहनत से बनाया है अपने किंग खान के लिए। जी हाँ, शाहरुख खान के कोलकाता फैन क्लब ने उनका ये पोस्टर वायरल कर दिया है। इसमें शाहरुख खान ब्लैक कलर के अटायर में हाथ में मशीन गन पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ उनके मुंह में जलती सिगरेट भी नजर आ रही है। शाहरुख का ये स्वैग सबको दीवाना बना रहा है और इस फैन मेड पोस्टर पर नेटिजंस काफी अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं। दोस्तों सब ने यही कहा है कि कोलकाता वालों ने किंग खान पर अपना जो प्यार बरसाया है उसे देख कर किंग खान जरूर खुश होंगे। कोलकाता वाले शाहरुख का एक्शन अवतार देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
पर उन्हें 2 जून 2023 तक रुकना पड़ेगा जब फिल्म रिलीज होगी। वैसे शाहरुख के साथ फिल्म में नयनतारा नजर आने वाली है, विजय सेतुपति विलन बने हैं और संजू बाबा और डिंपल गर्ल दीपिका का कैमियो होने वाला है। मतलब ये एक मल्टी स्टारर फिल्म है। वैसे जब शाहरुख ट्विटर पर अपना हैशटैग आस्क एसआरके नाम का सेगमेंट करेंगे जिसमें फैंस उन्हें सवाल पूछते हैं, उसमें शाहरुख इस पोस्टर को लेकर भी बात कर सकते हैं और उन्हें थैंक यू भी कह सकते हैं। देखते हैं कि अब शाहरुख खान इस पोस्टर पर क्या कहते हैं। तो दोस्तों आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो। प्राउड फील हो ऐसा काम कर चुके हैं, वहां पर उनसे जुड़ी हर एक छोटी खबर इम्पोर्टेंट है। वैसे जवान का जो पोस्टर था जिसमें पट्टियों में अपना चेहरा लपेटे हुए शाहरुख को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि उनका किरदार किस तरह का होगा, पर इस सवाल का थोड़ा सा जवाब देते हुए मेकर्स ने खुलासा किया है कि शाहरुख खान फिल्म में डबल रोल निभाएंगे और उनके एक कैरेक्टर का नाम होगा राजवर्धन ठाकुर, पर दूसरे कैरेक्टर का नाम अभी तक नहीं बताया गया है। पर कुछ गौर किया आपने, शाहरुख और राज, इनका कुछ ना कुछ पिछले जन्म का कनेक्शन है, तभी तो यहाँ पर भी उनके नाम में राज मौजूद है। और उनके इस नाम के कैरेक्टर कितने फेमस हो चुके हैं ये तो हम जानते ही हैं। उसमें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मोहब्बते दीवाना, चलते चलते, राजू बन गया जेंटलमैन, रोहित शेट्टी के दिलवाले, हे बेबी, बादशाह और रब ने बना दी जोड़ी, ऐसी 9 फिल्में शामिल हैं जिसमें राज का आइकॉनिक कैरेक्टर नजर आया था या आइकॉनिक कैरेक्टर बन गया। वैसे जवान में हमें दीपिका पादुकोण और संजय दत्त कैमियो करते हुए नजर आएंगे, पर उनका कैरेक्टर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। उसी के साथ साथ फिल्म में नयनतारा, सान्या मल्होत्रा और फिल्म के विलन विजय सेतुपति भी नजर आने वाले हैं। साउथ फिल्म मेकर एटली कुमार फिल्म के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं क्योंकि ये एक पैन इंडिया फिल्म है। तो देखते हैं कि 2023 में ये जवान क्या धमाका करता है। साथ ही जाते जाते आप बताइए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में और वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान ने यशराज फिल्म्स की एक्शन एंटरटेनर पठान के टाइटल ट्रैक झूमे जो पठान में एक साथ थिरकते हुए दुनिया में तूफान ला दिया। अब ये जोड़ी एटली के जवान के लिए एक और मैसी नंबर के लिए फिर से मिल रही है, जहां दीपिका पादुकोण एक कैमियो लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देने के लिए तैयार हैं। एटली 20 अप्रैल तक अपनी बहुत प्रतीक्षित मसाला फिल्म की शूटिंग पूरी कर लेंगे। फिल्म की शूटिंग 5 अप्रैल तक पूरी हो जाएगी, केवल 2 गानों की शूटिंग अभी बाकी है, जहां एक तरफ शाहरुख खान और नयनतारा के साथ शूट किया जाने वाला एक रोमांटिक नंबर है, वहीं दूसरा दीपिका और शाहरुख की मौजूदगी वाला एक ट्रैक है। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान पहले ही पठान के टाइटल ट्रैक झूमे जो पठान के साथ चार्ट बस्टर पर हिट हो चुके हैं। फिल्म का दूसरा मैसी ट्रैक बेशर्म रंग था, जहां दीपिका पादुकोण के बदले अवतार ने इंटरनेट तोड़ दिया था। जवान फिल्म का मैसी धमाकेदार नंबर इस साल उनका तीसरा ग्रूवी गाना होगा और फैंस पहले से ही उनकी केमिस्ट्री को फिर से देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा दिया गया है और अन्य डिटेल्स गुप्त रखे गए हैं। शाहरुख खान पहले 7 अप्रैल को नयनतारा के साथ रोमांटिक ट्रैक शूट करेंगे, फिर दीपिका पादुकोण के साथ गाने की शूटिंग करेंगे। कथित तौर पर दीपिका पादुकोण फिल्म में शाहरुख खान की पत्नी की भूमिका निभाती है जिसे मार दिया जाता है और अभिनेता अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए एक मिशन पर निकल जाता है। शाहरुख खान फिल्म में दोहरी भूमिका निभा रहे हैं, जहां उन्होंने पिता और पुत्र की भूमिका निभाई है। फिल्म ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर और पठान के बाद शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की साथ में ये 5वीं फिल्म होगी। व्यूज की बात करें तो पठान फिल्म के बेशरम रंग ने यशराज फिल्म्स के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 391 मिलियन से अधिक व्यूज बटोरे हैं, जबकि झूमे जो पठान ने 422 मिलियन व्यूज हासिल किए हैं। जवान शाहरुख खान नयनतारा और विजय सेतुपति के साथ दीपिका पादुकोण एक विशेष भूमिका में है, 2 जून 2023 को स्क्रीन पर हिट होने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत, नमस्कार। उनमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी, जब वो गांव लौटते थे तो वहां के बच्चों के साथ वो बातें करते खेलते, उन्हें भारतीय सेना के बारे में कहानियां सुनाते। वहां से लौटने के बाद उनकी पोस्टिंग हुई सियाचिन ग्लेशियर्स में। ये वही ग्लेशियर है जहां टेम्परेचर माइनस में जाता है ऐसी कपकपाती ठंड कि शरीर को पिघला दे। वहां से वो चंडीगढ़ में गए जहां उन्होंने ट्रेनिंग ली, और फिर वो निकले अपने नए सफर पर। सियाचिन ग्लेशियर चढ़ने से पहले मनोहर पाटिल ने अपने परिवार को कॉल किया और कहा कि आज वो ग्लेशियर चढ़ने वाले हैं। फिर कुछ दिन बीत गए, उनका फिर से कॉल आया और उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश है क्योंकि वो पोस्ट के बड़े करीब है, और शायद उतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद नेटवर्क ना मिले इसलिए वो आज ही संवाद करने वाले हैं। कुछ दिन और बीत गए पर उनका कॉल नहीं आया। फिर 16 जुलाई को शाम 8 बजे उनके यूनिट से उनके परिवार को कॉल किया गया कि मनोहर पाटिल को इंजुरी हो गई है और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। फिर कुछ दिन बीत गए, फिर से उनके यूनिट का कॉल गया और कहा गया कि उनकी हालत बड़ी नाजुक है और उन्हें दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। उनका परिवार रोने लगा। आर्मी द्वारा उनके परिवार को यह भी बताया गया कि उनके परिवार में से कोई भी दो लोग दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि मनोहर पाटिल की ब्रेन सर्जरी हुई है और वो भी बेहोश है। 20 दिन बीत गए और मनोहर पाटिल को होश नहीं आया। उसके अगले दिन बाद उन्हें एक होश आया। उनकी हालत बड़ी नाजुक थी, वो कुछ कह नहीं पा रहे थे, ना हिल पा रहे थे, ना डुल पा रहे थे। उनका परिवार सिर्फ भगवान को प्रार्थना कर रहा था। फिर उसके अगले दिन मनोहर पाटिल की शरीर सुकड़ने लगी और उनकी सांसें बहुत तेज होने लगी, और देखते ही देखते मनोहर पाटिल ने इस देश को छोड़ दिया। तो ऐसी ही एक वीर जवान की स्टोरी हो सकती है हमारी शाहरुख खान स्टारर जवान। जाते जाते आपके लिए गुड न्यूज है, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक बने। कब शुरू होगी शाहरुख खान और नयनतारा के गाने की शूटिंग? क्या दीपिका पादुकोण देंगी शाहरुख और नयनतारा का साथ? दोस्तों, साउथ फिल्म मेकर इटली कुमार और हमारे शाहरुख खान अपनी फिल्म जवान के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ये फिल्म 2023 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में शामिल है। इस हाई बजट फिल्म में शाहरुख के साथ नयनतारा, विजय सेतुपति जैसे माहिर एक्टर्स भी नजर आएंगे। अब इस फिल्म को लेकर ये बताया जा रहा है कि फिल्म का पहला गाना शूट होने वाला है। इस गाने को कंपोज करेंगे फेमस कंपोजर अनिरुद्ध। अप्रैल के पहले हफ्ते में गाने की शूटिंग होगी, वो भी मुंबई में। वैसे फिल्म के लिए अप्रैल महीना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस महीने में फिल्म के दो गाने शूट हो जाएंगे। इटली कुमार का ये प्लान है कि ये दोनों ही गाने सुपरहिट होने चाहिए, जिसके ऊपर फिल्म का सक्सेस डिपेंड करता है, और वो चाहते हैं कि गाने को लेकर कोई कॉन्ट्रोवर्सी ना हो। सो लेट्स वेट फॉर दिस। वैसे पठान के बाद शाहरुख खान जवान में इतने बिजी हो गए हैं कि अब उनकी एक झलक देखने के लिए भी उनके फैंस तरस रहे हैं। वैसे हम जल्द ही शाहरुख खान को फिल्म के जबरदस्त गानों में देखने वाले हैं, और जहां तक अप्रैल के पहले हफ्ते में पहला गाना शूट होगा तो उसकी झलक हमें जल्द ही देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं बल्कि फिल्म का दूसरा गाना शूट होगा जिसमें हमें दीपिका पादुकोण नजर आने वाली है, यानी कि दीपिका पादुकोण इस फिल्म में कैमियो करते हुए नजर आने वाली है। कहा जाता है कि ये गाना 15 अप्रैल तक रिकॉर्ड हो सकता है। वैसे बेशरम रंग गाने को लेकर जो बवाल हुआ था उसे ध्यान में रखते हुए इटली कुमार बहुत ही सावधानी से गाने को शूट करना चाहते हैं। देखते हैं कि इटली और शाहरुख का डुओ क्या कमाल करता है। अगर रिलीज की बात की जाए तो ये फिल्म 2 जून 2023 को रिलीज होगी। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय। नाटो सेना उसे ढूंढ रही थी, तभी सेना को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि 25 से 30 गाड़ियों का एक काफिला उस गांव की तरफ देखा गया है। सेना हेलीकॉप्टर से बमबारी करने लगी। आधी से ज्यादा गाड़ियां बमबारी में उड़ गई और जितने बच्चे लोग थे वो गांव की गलियों में तरबतर भागने लगे। विद्रोहियों ने एक छोटे से पाइप में छुपे गद्दाफी को बाहर आने की नसीहत दी। उसे कहा गया कि सेना उस पर हमला नहीं करेगी अगर वो सरेंडर कर देगा।
जैसे ही गद्दाफी बाहर आया उसके दोनों पैरों पर विद्रोहियों ने गोली मार दी। विद्रोहियों का गुस्सा बढ़ चुका था और सेना भी दूर थी। ऐसे में जब तक सेना वहां पहुंच पाई तब तक विद्रोहियों ने गद्दाफी को उसी की सोने के पिस्टल से गोली मार दी। ऐसे ही एक्शन पैक्ड होने वाली है शाहरुख खान स्टारर जवान। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अब जाते जाते आपके लिए फायदे की बात, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए इस जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए तब तक के लिए जहा गया था। अब अपकमिंग फिल्म का एक नया पोस्टर सोशल मीडिया पर लीक हो गया है। इसमें शाहरुख खान के लंबे बाल नजर आ रहे हैं, चेहरे पर बैंडेज के साथ मिस्ट्री लुक बरकरार रखा गया है और हाथ में नाइफ है जिसके अंदर SRK का एक अलग चेहरा है। इसने फिल्म के लिए उम्मीदों को और भी बढ़ा दिया है, जबकि कई प्रशंसक टीजर में उनके बैंडेज और चोटिल लुक से शॉक्ड हैं, तो यहाँ जवान का लुक 1990 के लोकप्रिय हॉलीवुड एंटी हीरो फिल्म डार्क मैन के समान ही लग रहा है। दोस्तों ईयर 1990 की सुपर हीरो फिल्म में लियाम नीसन ने टाइटैनिक एंटी हीरो की भूमिका निभाई थी, जिसे जिंदा जलाने के बाद मृत के लिए छोड़ दिया गया था। उसने अपनी विकृत त्वचा को छिपाने के लिए खुद को पट्टियों में लपेट लिया और उन लोगों से बदला लेने के लिए लौट आया जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी। बैंडेड लुक और फिल्म जवान के पोस्टर के गहन विषय ने कई फैंस को तुलना करने के लिए प्रेरित किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान ने डार्क मैन से जवान लुक की नकल की। एक यूजर ने लिखा, शाहरुख जी 1990 की डार्क मैन हॉलीवुड फिल्म नहीं देखी क्या? दोस्तों आप बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है और आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय। खान अपने डबल रोल में इंटेंस चेस सीक्वेंस के साथ जवान की शूटिंग खत्म करेंगे और अब इस फिल्म को लेकर लेटेस्ट अपडेट ये है कि फिल्म की लीडिंग लेडी नयनतारा ने भी एक हफ्ते के मुंबई शेड्यूल को पूरा कर लिया है। नयनतारा ने जवान का 9 दिन का लंबा शेड्यूल पूरा कर लिया है और अब वो 8 मार्च को चेन्नई वापस चली गई। नयनतारा का जवान के लिए मुंबई शेड्यूल काफी अच्छा रहा। उन्होंने इस शेड्यूल में शाहरुख के साथ कुछ महत्वपूर्ण दृश्यों को शूट किया है, जबकि कुछ की शूटिंग राजस्थान में ही जाएगी। हालांकि मेकर्स ने अभी इसके लिए डेट्स लॉक नहीं किए हैं। कुछ सीन्स ऐसे हैं जो निश्चित रूप से लोगों की जिज्ञासा को बढ़ा देंगे। जवान में शाहरुख खान के अलावा प्रिया मणि, सान्या मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। वहीं नेगेटिव रोल में विजय सेतुपति नजर आएंगे। फिल्म का संगीत लोकप्रिय दक्षिण संगीत निर्देशक अनिरुद्ध रविचंद्र ने तैयार किया है। शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित जवान 2 जून 2023 को 5 भाषाओं हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज होगी। तो दोस्तों आपको इनके एक्शन सीन्स का कितना इंतजार है हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और फिलहाल के लिए बढ़ चुके हैं। दरअसल जवान फिल्म का पोस्टर अभी वायरल हो रहा है, जिसे खुद फैंस ने बड़ी मेहनत से बनाया है अपने किंग खान के लिए। जी हाँ, शाहरुख खान के कोलकाता फैन क्लब ने उनका ये पोस्टर वायरल कर दिया है। इसमें शाहरुख खान ब्लैक कलर के अटायर में हाथ में मशीन गन पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ उनके मुंह में जलती सिगरेट भी नजर आ रही है। शाहरुख का ये स्वैग सबको दीवाना बना रहा है और इस फैन मेड पोस्टर पर नेटिजन्स काफी अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं। दोस्तों सब ने यही कहा है कि कोलकाता वालों ने किंग खान पर अपना जो प्यार बरसाया है उसे देख कर किंग खान जरूर खुश होंगे। कोलकाता वाले शाहरुख का एक्शन अवतार देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पर उन्हें 2 जून 2023 तक रुकना पड़ेगा जब फिल्म रिलीज होगी। वैसे शाहरुख के साथ फिल्म में नयनतारा नजर आने वाली है, विजय सेतुपति विलन बने हैं और संजू बाबा और डिंपल गर्ल दीपिका का कैमियो होने वाला है। मतलब ये एक मल्टी स्टार फिल्म है। वैसे जब शाहरुख ट्विटर पर अपना हैशटैग आस्क SRK नाम का सेगमेंट करेंगे, जिसमें फैंस उन्हें सवाल पूछते हैं, उसमें शाहरुख इस पोस्टर को लेकर भी बात कर सकते हैं और उन्हें थैंक यू भी कह सकते हैं।
देखते हैं कि अब शाहरुख खान इस पोस्टर पर क्या कहते हैं। तो दोस्तों आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो। प्राउड फील हो ऐसा काम कर चुके हैं, वहां पर उनसे जुड़ी हर एक छोटी खबर इम्पोर्टेंट है। वैसे जवान का जो पोस्टर था जिसमें पट्टियों में अपना चेहरा लपेटे हुए शाहरुख को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि उनका किरदार किस तरह का होगा, पर इस सवाल का थोड़ा सा जवाब देते हुए मेकर्स ने खुलासा किया है कि शाहरुख खान फिल्म में डबल रोल निभाएंगे और उनके एक कैरेक्टर का नाम होगा राजवर्धन ठाकुर, पर दूसरे कैरेक्टर का नाम अभी तक नहीं बताया गया है। पर कुछ गौर किया आपने, शाहरुख और राज, इनका कुछ ना कुछ पिछले जन्म का कनेक्शन है, तभी तो यहां पर भी उनके नाम में राज मौजूद है। और उनके इस नाम के कैरेक्टर कितने फेमस हो चुके हैं ये तो हम जानते ही हैं। उसमें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मोहब्बतें, दीवाना, चलते चलते, राजू बन गया जेंटलमैन, रोहित शेट्टी के दिलवाले, हे बेबी, बादशाह और रब ने बना दी जोड़ी, ऐसी 9 फिल्में शामिल हैं जिसमें राज का आइकॉनिक कैरेक्टर नजर आया था या आइकॉनिक कैरेक्टर बन गया। वैसे जवान में हमें दीपिका पादुकोण और संजय दत्त कैमियो करते हुए नजर आएंगे, पर उनका कैरेक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसी के साथ साथ फिल्म में नयनतारा, सान्या मल्होत्रा और फिल्म के विलन विजय सेतुपति भी नजर आने वाले हैं। साउथ फिल्म मेकर एटली कुमार फिल्म के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं क्योंकि ये एक पैन इंडिया फिल्म है। तो देखते हैं कि 2023 में ये जवान क्या धमाका करता है। साथ ही जाते जाते आप बताइए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान ने यशराज फिल्म्स की एक्शन एंटरटेनर पठान के टाइटल ट्रैक झूमे जो पठान में एक साथ थिरकते हुए दुनिया में तूफान ला दिया। अब ये जोड़ी एटली के जवान के लिए एक और मैसी नंबर के लिए फिर से मिल रही है, जहां दीपिका पादुकोण एक कैमियो लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देने के लिए तैयार हैं। एटली 20 अप्रैल तक अपनी बहुत प्रतीक्षित मसाला फिल्म की शूटिंग पूरी कर लेंगे। फिल्म की शूटिंग 5 अप्रैल तक पूरी हो जाएगी, केवल 2 गानों की शूटिंग अभी बाकी है, जहां एक तरफ शाहरुख खान और नयनतारा के साथ शूट किया जाने वाला एक रोमांटिक नंबर है, वहीं दूसरा दीपिका और शाहरुख की मौजूदगी वाला एक ट्रैक है। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान पहले ही पठान के टाइटल ट्रैक झूमे जो पठान के साथ चार्ट बस्टर पर हिट हो चुके हैं। फिल्म का दूसरा मैसी ट्रैक बेशर्म रंग था, जहां दीपिका पादुकोण के बदले अवतार ने इंटरनेट तोड़ दिया था। जवान फिल्म का मैसी धमाकेदार नंबर इस साल उनका तीसरा ग्रूवी गाना होगा, और फैंस पहले से ही उनकी केमिस्ट्री को फिर से देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा दिया गया है और अन्य डिटेल्स गुप्त रखे गए हैं। शाहरुख खान पहले 7 अप्रैल को नयनतारा के साथ रोमांटिक ट्रैक शूट करेंगे, फिर दीपिका पादुकोण के साथ गाने की शूटिंग करेंगे। कथित तौर पर दीपिका पादुकोण फिल्म में शाहरुख खान की पत्नी की भूमिका निभाती है जिसे मार दिया जाता है, और अभिनेता अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए एक मिशन पर निकल जाता है। शाहरुख खान फिल्म में दोहरी भूमिका निभा रहे हैं, जहां उन्होंने पिता और पुत्र की भूमिका निभाई है। फिल्म ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर और पठान के बाद शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की साथ में ये 5वीं फिल्म होगी। व्यूज की बात करें तो पठान फिल्म के बेशरम रंग ने यशराज फिल्म्स के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 391 मिलियन से अधिक व्यूज बटोरे हैं, जबकि झूमे जो पठान ने 422 मिलियन व्यूज हासिल किए हैं। जवान शाहरुख खान नयनतारा और विजय सेतुपति के साथ दीपिका पादुकोण एक विशेष भूमिका में है, 2 जून 2023 को स्क्रीन पर हिट होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं मैं फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार। उनमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी, जब वो गांव लौटते थे तो वहां के बच्चों के साथ वो बातें करते, खेलते, उन्हें भारतीय सेना के बारे में कहानियां सुनाते। वहां से लौटने के बाद उनकी पोस्टिंग हुई सियाचिन ग्लेशियर्स में। ये वही ग्लेशियर है जहां टेम्परेचर माइनस में जाता है ऐसी कपकपाती ठंड कि शरीर को पिघला दे। वहां से वो चंडीगढ़ में गए जहां उन्होंने ट्रेनिंग ली और फिर वो निकले अपने नए सफर पर। सियाचिन ग्लेशियर चढ़ने से पहले मनोहर पाटिल ने अपने परिवार को कॉल किया और कहा कि आज वो ग्लेशियर चढ़ने वाले हैं।
फिर कुछ दिन बीत गए, उनका फिर से कॉल आया और उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश है क्योंकि वो पोस्ट के बड़े करीब है और शायद उतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद नेटवर्क ना मिले, इसलिए वो आज ही सब बात करने वाले हैं। कुछ दिन और बीत गए पर उनका कॉल नहीं आया। फिर 16 जुलाई को शाम 8 बजे उनके यूनिट से उनके परिवार को कॉल किया गया कि मनोहर पाटिल को इंजुरी हो गई है और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। फिर कुछ दिन बीत गए, फिर से उनके यूनिट का कॉल गया और कहा गया कि उनकी हालत बड़ी नाजुक है और उन्हें दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। उनका परिवार रोने लगा। आर्मी द्वारा उनके परिवार को यह भी बताया गया कि उनके परिवार में से कोई भी दो लोग दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि मनोहर पाटिल की ब्रेन सर्जरी हुई है और वो भी बेहोश है। 20 दिन बीत गए और मनोहर पाटिल को होश नहीं आया। उसके अगले दिन बाद उन्हें एक होश आया। उनकी हालत बड़ी नाजुक थी, वो कुछ कह नहीं पा रहे थे, ना हिल पा रहे थे, ना डुल पा रहे थे। उनका परिवार सिर्फ भगवान को प्रार्थना कर रहा था। फिर उसके अगले दिन मनोहर पाटिल की शरीर सुकड़ने लगी और उनकी सांसें बहुत तेज होने लगी और देखते ही देखते मनोहर पाटिल ने इस देश को छोड़ दिया। तो ऐसी ही एक वीर जवान की स्टोरी हो सकती है हमारी शाहरुख खान स्टारर जवान। जाते जाते आपके लिए गुड न्यूज है, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक बने। कब शुरू होगी शाहरुख खान और नयनतारा के गाने की शूटिंग? क्या दीपिका पादुकोण देंगी शाहरुख और नयनतारा का साथ? दोस्तों, साउथ फिल्म मेकर इटली कुमार और हमारे शाहरुख खान अपनी फिल्म जवान के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ये फिल्म 2023 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में शामिल है। इस हाई बजट फिल्म में शाहरुख के साथ नयनतारा, विजय सेतुपति जैसे माहिर एक्टर्स भी नजर आएंगे। अब इस फिल्म को लेकर ये बताया जा रहा है कि फिल्म का पहला गाना शूट होने वाला है। इस गाने को कंपोज करेंगे फेमस कंपोजर अनिरुद्ध। अप्रैल के पहले हफ्ते में गाने की शूटिंग होगी, वो भी मुंबई में। वैसे फिल्म के लिए अप्रैल महीना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस महीने में फिल्म के दो गाने शूट हो जाएंगे। इटली कुमार का ये प्लान है कि ये दोनों ही गाने सुपरहिट होने चाहिए, जिसके ऊपर फिल्म का सक्सेस डिपेंड करता है और वो चाहते हैं कि गाने को लेकर कोई कंट्रोवर्सी ना हो। सो लेट्स वेट फॉर दिस। वैसे पठान के बाद शाहरुख खान जवान में इतने बिजी हो गए हैं कि अब उनकी एक झलक देखने के लिए भी उनके फैंस तरस रहे हैं। वैसे हम जल्द ही शाहरुख खान को फिल्म के जबरदस्त गानों में देखने वाले हैं और जहां तक अप्रैल के पहले हफ्ते में पहला गाना शूट होगा तो उसकी झलक हमें जल्द ही देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं बल्कि फिल्म का दूसरा गाना शूट होगा जिसमें हमें दीपिका पादुकोण नजर आने वाली है, यानी कि दीपिका पादुकोण इस फिल्म में कैमियो करते हुए नजर आने वाली है। कहा जाता है कि ये गाना 15 अप्रैल तक रिकॉर्ड हो सकता है। वैसे बेशरम रंग गाने को लेकर जो बवाल हुआ था उसे ध्यान में रखते हुए इटली कुमार बहुत ही सावधानी से गाने को शूट करना चाहते हैं। देखते हैं कि इटली और शाहरुख का डुओ क्या कमाल करता है। अगर रिलीज की बात की जाए तो ये फिल्म 2 जून 2023 को रिलीज होगी। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय। नाटो सेना उसे ढूंढ रही थी, तभी सेना को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि 25 से 30 गाड़ियों का एक काफिला उस गांव की तरफ देखा गया है। सेना हेलीकॉप्टर से बमबारी करने लगी। आधी से ज्यादा गाड़ियां बमबारी में उड़ गई और जितने बच्चे लोग थे वो गांव की गलियों में तरबतर भागने लगे। विद्रोहियों ने एक छोटे से पाइप में छुपे गद्दाफी को बाहर आने की नसीहत दी। उसे कहा गया कि सेना उस पर हमला नहीं करेगी अगर वो सरेंडर कर देगा। जैसे ही गद्दाफी बाहर आया उसके दोनों पैरों पर विद्रोहियों ने गोली मार दी। विद्रोहियों का गुस्सा बढ़ चुका था और सेना भी दूर थी। ऐसे में जब तक सेना वहां पहुंच पाई तब तक विद्रोहियों ने गद्दाफी को उसी की सोने के पिस्टल से गोली मार दी। ऐसे ही एक्शन पैक्ड होने वाली है शाहरुख खान स्टारर जवान। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अब जाते जाते आपके लिए फायदे की बात, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए इस जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए, तब तक के लिए जा गया था अब
अपकमिंग फिल्म का एक नया पोस्टर सोशल मीडिया पर लीक हो गया है। इसमें शाहरुख खान के लंबे बाल नजर आ रहे हैं, चेहरे पर बैंडेज के साथ मिस्ट्री लुक बरकरार रखा गया है और हाथ में नाइफ है जिसके अंदर SRK का एक अलग चेहरा है। इसने फिल्म के लिए उम्मीदों को और भी बढ़ा दिया है, जबकि कई प्रशंसक टीजर में उनके बैंडेज और चोटिल लुक से शॉक्ड हैं, तो यहां जवान का लुक 1990 के लोकप्रिय हॉलीवुड एंटी हीरो फिल्म डार्क मैन के समान ही लग रहा है। दोस्तों, ईयर 1990 की सुपर हीरो फिल्म में लियाम नीसन ने टाइटैनिक एंटी हीरो की भूमिका निभाई थी, जिसे जिंदा जलाने के बाद मृत के लिए छोड़ दिया गया था। उसने अपनी विकृत त्वचा को छिपाने के लिए खुद को पट्टियों में लपेट लिया और उन लोगों से बदला लेने के लिए लौट आया जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी। बैंडेड लुक और फिल्म जवान के पोस्टर के गहन विषय ने कई फैंस को तुलना करने के लिए प्रेरित किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान ने डार्क मैन से जवान लुक की नकल की। एक यूजर ने लिखा, शाहरुख जी 1990 की डार्क मैन हॉलीवुड फिल्म नहीं देखी क्या? दोस्तों, आप बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है और आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय। खान अपने डबल रोल में इंटेंस चेस सीक्वेंस के साथ जवान की शूटिंग खत्म करेंगे और अब इस फिल्म को लेकर लेटेस्ट अपडेट ये है कि फिल्म की लीडिंग लेडी नयनतारा ने भी एक हफ्ते के मुंबई शेड्यूल को पूरा कर लिया है। नयनतारा ने जवान का 9 दिन का लंबा शेड्यूल पूरा कर लिया है और अब वो 8 मार्च को चेन्नई वापस चली गई। नयनतारा का जवान के लिए मुंबई शेड्यूल काफी अच्छा रहा। उन्होंने इस शेड्यूल में शाहरुख के साथ कुछ महत्वपूर्ण दृश्यों को शूट किया है, जबकि कुछ की शूटिंग राजस्थान में ही जाएगी। हालांकि मेकर्स ने अभी इसके लिए डेट्स लॉक नहीं किए हैं। कुछ सीन्स ऐसे हैं जो निश्चित रूप से लोगों की जिज्ञासा को बढ़ा देंगे। जवान में शाहरुख खान के अलावा प्रिया मणि, सान्या मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। वहीं नेगेटिव रोल में विजय सेतुपति नजर आएंगे। फिल्म का संगीत लोकप्रिय दक्षिण संगीत निर्देशक अनिरुद्ध रविचंद्र ने तैयार किया है। शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित जवान 2 जून 2023 को 5 भाषाओं हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज होगी। तो दोस्तों, आपको इनके एक्शन सीन्स का कितना इंतजार है हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और फिलहाल के लिए बढ़ चुके हैं। दरअसल जवान फिल्म का पोस्टर अभी वायरल हो रहा है जिसे खुद फैंस ने बड़ी मेहनत से बनाया है अपने किंग खान के लिए। जी हाँ, शाहरुख खान के कोलकाता फैन क्लब ने उनका ये पोस्टर वायरल कर दिया है। इसमें शाहरुख खान ब्लैक कलर के अटायर में हाथ में मशीन गन पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ उनके मुंह में जलती सिगरेट भी नजर आ रही है। शाहरुख का ये स्वैग सबको दीवाना बना रहा है और इस फैन मेड पोस्टर पर नेटिजंस काफी अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं। दोस्तों, सब ने यही कहा है कि कोलकाता वालों ने किंग खान पर अपना जो प्यार बरसाया है उसे देख कर किंग खान जरूर खुश होंगे। कोलकाता वाले शाहरुख का एक्शन अवतार देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पर उन्हें 2 जून 2023 तक रुकना पड़ेगा जब फिल्म रिलीज होगी। वैसे शाहरुख के साथ फिल्म में नयनतारा नजर आने वाली है, विजय सेतुपति विलन बने हैं और संजू बाबा और डिंपल गर्ल दीपिका का कैमियो होने वाला है। मतलब ये एक मल्टी स्टार फिल्म है। वैसे जब शाहरुख ट्विटर पर अपना #AskSRK नाम का सेगमेंट करेंगे जिसमें फैंस उन्हें सवाल पूछते हैं, उसमें शाहरुख इस पोस्टर को लेकर भी बात कर सकते हैं और उन्हें थैंक यू भी कह सकते हैं। देखते हैं कि अब शाहरुख खान इस पोस्टर पर क्या कहते हैं। तो दोस्तों, आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो। प्राउड फील हो ऐसा काम कर चुके हैं, वहां पर उनसे जुड़ी हर एक छोटी खबर इम्पोर्टेंट है। वैसे जवान का जो पोस्टर था जिसमें पट्टियों में अपना चेहरा लपेटे हुए शाहरुख को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि उनका किरदार किस तरह का होगा, पर इस सवाल का थोड़ा सा जवाब देते हुए मेकर्स ने खुलासा किया है कि शाहरुख खान फिल्म में डबल रोल निभाएंगे और उनके एक कैरेक्टर का नाम होगा राजवर्धन ठाकुर, पर दूसरे कैरेक्टर का नाम अभी तक नहीं बताया गया है।
पर कुछ गौर किया आपने? शाहरुख और राज, इनका कुछ ना कुछ पिछले जन्म का कनेक्शन है, तभी तो यहाँ पर भी उनके नाम में राज मौजूद है। और उनके इस नाम के कैरेक्टर कितने फेमस हो चुके हैं ये तो हम जानते ही हैं। उसमें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मोहब्बतें, दीवाना, चलते चलते, राजू बन गया जेंटलमैन, रोहित शेट्टी के दिलवाले, हे बेबी, बादशाह और रब ने बना दी जोड़ी, ऐसी 9 फिल्में शामिल हैं जिसमें राज का आइकॉनिक कैरेक्टर नजर आया था या आइकॉनिक कैरेक्टर बन गया। वैसे जवान में हमें दीपिका पादुकोण और संजय दत्त कैमियो करते हुए नजर आएंगे, पर उनका कैरेक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसी के साथ साथ फिल्म में नयनतारा, सान्या मल्होत्रा और फिल्म के विलन विजय सेतुपति भी नजर आने वाले हैं। साउथ फिल्म मेकर एटली कुमार फिल्म के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं क्योंकि ये एक पैन इंडिया फिल्म है, तो देखते हैं कि 2023 में ये जवान क्या धमाका करता है। साथ ही जाते जाते आप बताइए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मुझे यानी श्रुति को दीजिए। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान ने यशराज फिल्म्स की एक्शन एंटरटेनर पठान के टाइटल ट्रैक झूमे जो पठान में एक साथ थिरकते हुए दुनिया में तूफान ला दिया। अब ये जोड़ी एटली के जवान के लिए एक और मैसी नंबर के लिए फिर से मिल रही है, जहां दीपिका पादुकोण एक कैमियो लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देने के लिए तैयार है। एटली 20 अप्रैल तक अपनी बहुत प्रतीक्षित मसाला फिल्म की शूटिंग पूरी कर लेंगे। फिल्म की शूटिंग 5 अप्रैल तक पूरी हो जाएगी, केवल 2 गानों की शूटिंग अभी बाकी है, जहां एक तरफ शाहरुख खान और नयनतारा के साथ शूट किया जाने वाला एक रोमांटिक नंबर है, वहीं दूसरा दीपिका और शाहरुख की मौजूदगी वाला एक ट्रैक है। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान पहले ही पठान के टाइटल ट्रैक झूमे जो पठान के साथ चार्ट बस्टर पर हिट हो चुके हैं। फिल्म का दूसरा मैसी ट्रैक बेशर्म रंग था, जहां दीपिका पादुकोण के बदले अवतार ने इंटरनेट तोड़ दिया था। जवान फिल्म का मैसी धमाकेदार नंबर इस साल उनका तीसरा ग्रूवी गाना होगा, और फैंस पहले से ही उनकी केमिस्ट्री को फिर से देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंदर द्वारा दिया गया है और अन्य डिटेल्स गुप्त रखे गए हैं। शाहरुख खान पहले 7 अप्रैल को नयनतारा के साथ रोमांटिक ट्रैक शूट करेंगे, फिर दीपिका पादुकोण के साथ गाने की शूटिंग करेंगे। कथित तौर पर दीपिका पादुकोण फिल्म में शाहरुख खान की पत्नी की भूमिका निभाती है, जिसे मार दिया जाता है, और अभिनेता अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए एक मिशन पर निकल जाता है। शाहरुख खान फिल्म में दोहरी भूमिका निभा रहे हैं, जहां उन्होंने पिता और पुत्र की भूमिका निभाई है। फिल्म ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर और पठान के बाद शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की साथ में ये 5वीं फिल्म होगी। व्यूज की बात करें तो पठान फिल्म के बेशरम रंग ने यशराज फिल्म्स के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 391 मिलियन से अधिक व्यूज बटोरे हैं, जबकि झूमे जो पठान ने 422 मिलियन व्यूज हासिल किए हैं। जवान शाहरुख खान नयनतारा और विजय सेतुपति के साथ दीपिका पादुकोण एक विशेष भूमिका में है, 2 जून 2023 को स्क्रीन पर हिट होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? मैं फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार। उनमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी, जब वो गांव लौटते थे तो वहां के बच्चों के साथ वो बातें करते, खेलते, उन्हें भारतीय सेना के बारे में कहानियां सुनाते। वहां से लौटने के बाद उनकी पोस्टिंग हुई सियाचिन ग्लेशियर्स में। ये वही ग्लेशियर है जहां टेम्परेचर माइनस में जाता है ऐसी कपकपाती ठंड कि शरीर को पिघला दे। वहां से वो चंडीगढ़ में गए जहां उन्होंने ट्रेनिंग ली और फिर वो निकले अपने नए सफर पर। सियाचिन ग्लेशियर चढ़ने से पहले मनोहर पाटिल ने अपने परिवार को कॉल किया और कहा कि आज वो ग्लेशियर चढ़ने वाले हैं। फिर कुछ दिन बीत गए, उनका फिर से कॉल आया और उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश है क्योंकि वो पोस्ट के बड़े करीब है और शायद उतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद नेटवर्क ना मिले, इसलिए वो आज ही सब बात करने वाले हैं। कुछ दिन और बीत गए पर उनका कॉल नहीं आया। फिर 16 जुलाई को शाम 8 बजे उनके यूनिट से उनके परिवार को कॉल किया गया कि मनोहर पाटिल को इंजुरी हो गई और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। फिर कुछ दिन बीत गए, फिर से उनके यूनिट का कॉल गया और कहा गया कि उनकी हालत बड़ी नाजुक है और उन्हें दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। उनका परिवार रोने लगा। आर्मी द्वारा उनके परिवार को यह भी बताया गया कि उनके परिवार में से कोई भी 2 लोग दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि मनोहर पाटिल की ब्रेन सर्जरी हुई है और वो भी बेहोश है।
20 दिन बीत गए और मनोहर पाटिल को होश नहीं आया। उसके अगले दिन बाद उन्हें एक होश आया। उनकी हालत बड़ी नाजुक थी, वो कुछ कह नहीं पा रहे थे, ना हिल पा रहे थे, ना डुल पा रहे थे। उनका परिवार सिर्फ भगवान को प्रार्थना कर रहा था। फिर उसके अगले दिन मनोहर पाटिल की शरीर सुकड़ने लगी और उनकी सांसें बहुत तेज होने लगी और देखते ही देखते मनोहर पाटिल ने इस देश को छोड़ दिया। तो ऐसी ही एक वीर जवान की स्टोरी हो सकती है हमारी शाहरुख खान स्टारर जवान। जाते जाते आपके लिए गुड न्यूज है, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक बने। कब शुरू होगी शाहरुख खान और नयनतारा के गाने की शूटिंग? क्या दीपिका पादुकोण देंगी शाहरुख और नयनतारा का साथ? दोस्तों, साउथ फिल्म मेकर इटली कुमार और हमारे शाहरुख खान अपनी फिल्म जवान के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ये फिल्म 2023 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में शामिल है। इस हाई बजट फिल्म में शाहरुख के साथ नयनतारा, विजय सेतुपति जैसे माहिर एक्टर्स भी नजर आएंगे। अब इस फिल्म को लेकर ये बताया जा रहा है कि फिल्म का पहला गाना शूट होने वाला है। इस गाने को कंपोज करेंगे फेमस कंपोजर अनिरुद्ध। अप्रैल के पहले हफ्ते में गाने की शूटिंग होगी, वो भी मुंबई में। वैसे फिल्म के लिए अप्रैल महीना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस महीने में फिल्म के दो गाने शूट हो जाएंगे। इटली कुमार का ये प्लान है कि ये दोनों ही गाने सुपरहिट होने चाहिए, जिसके ऊपर फिल्म का सक्सेस डिपेंड करता है, और वो चाहते हैं कि गाने को लेकर कोई कंट्रोवर्सी ना हो। सो लेट्स वेट फॉर दिस। वैसे पठान के बाद शाहरुख खान जवान में इतने बिजी हो गए हैं कि अब उनकी एक झलक देखने के लिए भी उनके फैंस तरस रहे हैं। वैसे हम जल्द ही शाहरुख खान को फिल्म के जबरदस्त गानों में देखने वाले हैं। और जहां तक अप्रैल के पहले हफ्ते में पहला गाना शूट होगा तो उसकी झलक हमें जल्द ही देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं बल्कि फिल्म का दूसरा गाना शूट होगा जिसमें हमें दीपिका पादुकोण नजर आने वाली है, यानी कि दीपिका पादुकोण इस फिल्म में कैमियो करते हुए नजर आने वाली है। कहा जाता है कि ये गाना 15 अप्रैल तक रिकॉर्ड हो सकता है। वैसे बेशरम रंग गाने को लेकर जो बवाल हुआ था उसे ध्यान में रखते हुए इटली कुमार बहुत ही सावधानी से गाने को शूट करना चाहते हैं। देखते हैं कि इटली और शाहरुख का डुओ क्या कमाल करता है। अगर रिलीज की बात की जाए तो ये फिल्म 2 जून 2023 को रिलीज होगी। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय। नाटो सेना उसे ढूंढ रही थी, तभी सेना को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि 25 से 30 गाड़ियों का एक काफिला उस गाँव की तरफ देखा गया है। सेना हेलीकॉप्टर से बमबारी करने लगी। आधी से ज्यादा गाड़ियां बमबारी में उड़ गई और जितने बच्चे लोग थे वो गांव की गलियों में तरबतर भागने लगे। विद्रोहियों ने एक छोटे से पाइप में छुपे गद्दाफी को बाहर आने की नसीहत दी। उसे कहा गया कि सेना उस पर हमला नहीं करेगी अगर वो सरेंडर कर देगा। जैसे ही गद्दाफी बाहर आया उसके दोनों पैरों पर विद्रोहियों ने गोली मार दी। विद्रोहियों का गुस्सा बढ़ चुका था और सेना भी दूर थी। ऐसे में जब तक सेना वहां पहुंच पाई तब तक विद्रोहियों ने गद्दाफी को उसी की सोने के पिस्टल से गोली मार दी। ऐसे ही एक्शन पैक्ड होने वाली है शाहरुख खान स्टारर जवान। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अब जाते जाते आपके लिए फायदे की बात, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए इस जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए तब तक के लिए जाता गया था। अब अपकमिंग फिल्म का एक नया पोस्टर सोशल मीडिया पर लीक हो गया है। इसमें शाहरुख खान के लंबे बाल नजर आ रहे हैं, चेहरे पर बैंडेज के साथ मिस्ट्री लुक बरकरार रखा गया है और हाथ में नाइफ है जिसके अंदर SRK का एक अलग चेहरा है। इसने फिल्म के लिए उम्मीदों को और भी बढ़ा दिया है, जबकि कई प्रशंसक टीजर में उनके बैंडेज और चोटिल लुक से शॉक्ड हैं, तो यहां जवान का लुक 1990 के लोकप्रिय हॉलीवुड एंटी हीरो फिल्म डार्क मैन के समान ही लग रहा है। दोस्तों, ईयर 1990 की सुपर हीरो फिल्म में लियाम नीसन ने टाइटैनिक एंटी हीरो की भूमिका निभाई थी, जिसे जिंदा जलाने के बाद मृत के लिए छोड़ दिया गया था। उसने अपनी विकृत त्वचा को छिपाने के लिए खुद को पट्टियों में लपेट लिया और उन लोगों से बदला लेने के लिए लौट आया जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी।
बैंडेड लुक और फिल्म जवान के पोस्टर के गहन विषय ने कई फैंस को तुलना करने के लिए प्रेरित किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान ने डार्क मैन से जवान लुक की नकल की। एक यूजर ने लिखा, शाहरुख जी 1990 की डार्क मैन हॉलीवुड फिल्म नहीं देखी क्या? दोस्तों आप बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है और आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय। खान अपने डबल रोल में इंटेंस चेस सीक्वेंस के साथ जवान की शूटिंग खत्म करेंगे और अब इस फिल्म को लेकर लेटेस्ट अपडेट ये है कि फिल्म की लीडिंग लेडी नयनतारा ने भी एक हफ्ते के मुंबई शेड्यूल को पूरा कर लिया है। नयनतारा ने जवान का 9 दिन का लंबा शेड्यूल पूरा कर लिया है और अब वो 8 मार्च को चेन्नई वापस चली गई। नयनतारा का जवान के लिए मुंबई शेड्यूल काफी अच्छा रहा। उन्होंने इस शेड्यूल में शाहरुख के साथ कुछ महत्वपूर्ण दृश्यों को शूट किया है जबकि कुछ की शूटिंग राजस्थान में ही जाएगी। हालांकि मेकर्स ने अभी इसके लिए डेट्स लॉक नहीं किए हैं। कुछ सीन्स ऐसे हैं जो निश्चित रूप से लोगों की जिज्ञासा को बढ़ा देंगे। जवान में शाहरुख खान के अलावा प्रिया मणि, सान्या मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। वहीं नेगेटिव रोल में विजय सेतुपति नजर आएंगे। फिल्म का संगीत लोकप्रिय दक्षिण संगीत निर्देशक अनिरुद्ध रविचंद्र ने तैयार किया है। शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित जवान 2 जून 2023 को 5 भाषाओं हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज होगी। तो दोस्तों आपको इनके एक्शन सीन्स का कितना इंतजार है हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और फिलहाल के लिए बढ़ चुके हैं। दरअसल जवान फिल्म का पोस्टर अभी वायरल हो रहा है जिसे खुद फैंस ने बड़ी मेहनत से बनाया है अपने किंग खान के लिए। जी हाँ, शाहरुख खान के कोलकाता फैन क्लब ने उनका ये पोस्टर वायरल कर दिया है। इसमें शाहरुख खान ब्लैक कलर के अटायर में हाथ में मशीन गन पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ उनके मुंह में जलती सिगरेट भी नजर आ रही है। शाहरुख का ये स्वैग सबको दीवाना बना रहा है और इस फैन मेड पोस्टर पर नेटिजंस काफी अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं। दोस्तों सब ने यही कहा है कि कोलकाता वालों ने किंग खान पर अपना जो प्यार बरसाया है उसे देख कर किंग खान जरूर खुश होंगे। कोलकाता वाले शाहरुख का एक्शन अवतार देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं पर उन्हें 2 जून 2023 तक रुकना पड़ेगा जब फिल्म रिलीज होगी। वैसे शाहरुख के साथ फिल्म में नयनतारा नजर आने वाली है, विजय सेतुपति विलन बने हैं और संजू बाबा और डिंपल गर्ल दीपिका का कैमियो होने वाला है। मतलब ये एक मल्टी स्टार फिल्म है। वैसे जब शाहरुख ट्विटर पर अपना #AskSRK नाम का सेगमेंट करेंगे जिसमें फैंस उन्हें सवाल पूछते हैं उसमें शाहरुख इस पोस्टर को लेकर भी बात कर सकते हैं और उन्हें थैंक यू भी कह सकते हैं। देखते हैं कि अब शाहरुख खान इस पोस्टर पर क्या कहते हैं। तो दोस्तों आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो। प्राउड फील हो ऐसा काम कर चुके हैं, वहां पर उनसे जुड़ी हर एक छोटी खबर इम्पोर्टेंट है। वैसे जवान का जो पोस्टर था जिसमें पट्टियों में अपना चेहरा लपेटे हुए शाहरुख को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि उनका किरदार किस तरह का होगा, पर इस सवाल का थोड़ा सा जवाब देते हुए मेकर्स ने खुलासा किया है कि शाहरुख खान फिल्म में डबल रोल निभाएंगे और उनके एक कैरेक्टर का नाम होगा राजवर्धन ठाकुर पर दूसरे कैरेक्टर का नाम अभी तक नहीं बताया गया है। पर कुछ गौर किया आपने, शाहरुख और राज, इनका कुछ ना कुछ पिछले जन्म का कनेक्शन है, तभी तो यहाँ पर भी उनके नाम में राज मौजूद है और उनके इस नाम के कैरेक्टर कितने फेमस हो चुके हैं ये तो हम जानते ही हैं। उसमें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मोहब्बतें, दीवाना, चलते चलते, राजू बन गया जेंटलमैन, रोहित शेट्टी के दिलवाले, हे बेबी, बादशाह और रब ने बना दी जोड़ी, ऐसी 9 फिल्में शामिल हैं जिसमें राज का आइकॉनिक कैरेक्टर नजर आया था या आइकॉनिक कैरेक्टर बन गया। वैसे जवान में हमें दीपिका पादुकोण और संजय दत्त कैमियो करते हुए नजर आएंगे पर उनका कैरेक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसी के साथ साथ फिल्म में नयनतारा, सान्या मल्होत्रा और फिल्म के विलन विजय सेतुपति भी नजर आने वाले हैं। साउथ फिल्म मेकर एटली कुमार फिल्म के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं क्योंकि ये एक पैन इंडिया फिल्म है। तो देखते हैं कि 2023 में ये जवान क्या धमाका करता है।
साथ ही जाते जाते आप बताइए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान ने यशराज फिल्म्स की एक्शन एंटरटेनर पठान के टाइटल ट्रैक झूमे जो पठान में एक साथ थिरकते हुए दुनिया में तूफान ला दिया। अब ये जोड़ी एटली के जवान के लिए एक और मैसी नंबर के लिए फिर से मिल रही है, जहां दीपिका पादुकोण एक कैमियो लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देने के लिए तैयार है। एटली 20 अप्रैल तक अपनी बहुत प्रतीक्षित मसाला फिल्म की शूटिंग पूरी कर लेंगे। फिल्म की शूटिंग 5 अप्रैल तक पूरी हो जाएगी। केवल 2 गानों की शूटिंग अभी बाकी है, जहां एक तरफ शाहरुख खान और नयनतारा के साथ शूट किया जाने वाला एक रोमांटिक नंबर है, वहीं दूसरा दीपिका और शाहरुख की मौजूदगी वाला एक ट्रैक है। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान पहले ही पठान के टाइटल ट्रैक झूमे जो पठान के साथ चार्ट बस्टर पर हिट हो चुके हैं। फिल्म का दूसरा मैसी ट्रैक बेशर्म रंग था, जहां दीपिका पादुकोण के बदले अवतार ने इंटरनेट तोड़ दिया था। जवान फिल्म का मैसी धमाकेदार नंबर इस साल उनका तीसरा ग्रूवी गाना होगा, और फैंस पहले से ही उनकी केमिस्ट्री को फिर से देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा दिया गया है और अन्य डिटेल्स गुप्त रखे गए हैं। शाहरुख खान पहले 7 अप्रैल को नयनतारा के साथ रोमांटिक ट्रैक शूट करेंगे, फिर दीपिका पादुकोण के साथ गाने की शूटिंग करेंगे। कथित तौर पर दीपिका पादुकोण फिल्म में शाहरुख खान की पत्नी की भूमिका निभाती है, जिसे मार दिया जाता है, और अभिनेता अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए एक मिशन पर निकल जाता है। शाहरुख खान फिल्म में दोहरी भूमिका निभा रहे हैं, जहां उन्होंने पिता और पुत्र की भूमिका निभाई है। फिल्म ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर और पठान के बाद शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की साथ में ये 5वीं फिल्म होगी। व्यूज की बात करें तो पठान फिल्म के बेशरम रंग ने यशराज फिल्म्स के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 391 मिलियन से अधिक व्यूज बटोरे हैं, जबकि झूमे जो पठान ने 422 मिलियन व्यूज हासिल किए हैं। जवान शाहरुख खान नयनतारा और विजय सेतुपति के साथ दीपिका पादुकोण एक विशेष भूमिका में है। 2 जून 2023 को स्क्रीन पर हिट होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? मैं फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार। उनमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। जब वो गांव लौटते थे तो वहां के बच्चों के साथ वो बातें करते, खेलते, उन्हें भारतीय सेना के बारे में कहानियां सुनाते। वहां से लौटने के बाद उनकी पोस्टिंग हुई सियाचिन ग्लेशियर में। ये वही ग्लेशियर है जहां टेम्परेचर माइनस में जाता है ऐसी कपकपाती ठंड कि शरीर को पिघला दे। वहां से वो चंडीगढ़ में गए, जहां उन्होंने ट्रेनिंग ली और फिर वो निकले अपने नए सफर पर। सियाचिन ग्लेशियर चढ़ने से पहले मनोहर पाटिल ने अपने परिवार को कॉल किया और कहा कि आज वो ग्लेशियर चढ़ने वाले हैं। फिर कुछ दिन बीत गए, उनका फिर से कॉल आया और उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश है क्योंकि वो पोस्ट के बड़े करीब है, और शायद उतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद नेटवर्क ना मिले, इसलिए वो आज ही संवाद करने वाले हैं। कुछ दिन और बीत गए पर उनका कॉल नहीं आया। फिर 16 जुलाई को शाम 8 बजे उनके यूनिट से उनके परिवार को कॉल किया गया कि मनोहर पाटिल को इंजुरी हो गई है और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। फिर कुछ दिन बीत गए, फिर से उनके यूनिट का कॉल गया और कहा गया कि उनकी हालत बड़ी नाजुक है और उन्हें दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। उनका परिवार रोने लगा। आर्मी द्वारा उनके परिवार को यह भी बताया गया कि उनके परिवार में से कोई भी 2 लोग दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि मनोहर पाटिल की ब्रेन सर्जरी हुई है और वो भी बेहोश है। 20 दिन बीत गए और मनोहर पाटिल को होश नहीं आया। उसके अगले दिन बाद उन्हें एक होश आया। उनकी हालत बड़ी नाजुक थी, वो कुछ कह नहीं पा रहे थे, ना हिल पा रहे थे, ना डुल पा रहे थे। उनका परिवार सिर्फ भगवान को प्रार्थना कर रहा था। फिर उसके अगले दिन मनोहर पाटिल की शरीर सुकड़ने लगी और उनकी सांसें बहुत तेज होने लगी, और देखते ही देखते मनोहर पाटिल ने इस देश को छोड़ दिया। तो ऐसी ही एक वीर जवान की स्टोरी हो सकती है हमारी शाहरुख खान स्टारर जवान। जाते जाते आपके लिए गुड न्यूज है, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक बने। कब शुरू होगी शाहरुख खान और नयनतारा के गाने की शूटिंग? क्या दीपिका पादुकोण देंगी शाहरुख और नयनतारा का साथ?
दोस्तों, साउथ फिल्म मेकर एटली कुमार और हमारे शाहरुख खान अपनी फिल्म जवान के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ये फिल्म 2023 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में शामिल है। इस हाई बजट फिल्म में शाहरुख के साथ नयनतारा, विजय सेतुपति जैसे माहिर एक्टर्स भी नजर आएंगे। अब इस फिल्म को लेकर ये बताया जा रहा है कि फिल्म का पहला गाना शूट होने वाला है। इस गाने को कंपोज करेंगे फेमस कंपोजर अनिरुद्ध। अप्रैल के पहले हफ्ते में गाने की शूटिंग होगी, वो भी मुंबई में। वैसे फिल्म के लिए अप्रैल महीना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस महीने में फिल्म के दो गाने शूट हो जाएंगे। इटली कुमार का ये प्लान है कि ये दोनों ही गाने सुपरहिट होने चाहिए, जिसके ऊपर फिल्म का सक्सेस डिपेंड करता है, और वो चाहते हैं कि गाने को लेकर कोई कंट्रोवर्सी ना हो। सो लेट्स वेट फॉर दिस। वैसे पठान के बाद शाहरुख खान जवान में इतने बिजी हो गए हैं कि अब उनकी एक झलक देखने के लिए भी उनके फैंस तरस रहे हैं। वैसे हम जल्द ही शाहरुख खान को फिल्म के जबरदस्त गानों में देखने वाले हैं। और जहां तक अप्रैल के पहले हफ्ते में पहला गाना शूट होगा, तो उसकी झलक हमें जल्द ही देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं बल्कि फिल्म का दूसरा गाना शूट होगा, जिसमें हमें दीपिका पादुकोण नजर आने वाली है, यानी कि दीपिका पादुकोण इस फिल्म में कैमियो करते हुए नजर आने वाली है। कहा जाता है कि ये गाना 15 अप्रैल तक रिकॉर्ड हो सकता है। वैसे बेशरम रंग गाने को लेकर जो बवाल हुआ था, उसे ध्यान में रखते हुए इटली कुमार बहुत ही सावधानी से गाने को शूट करना चाहते हैं। देखते हैं कि इटली और शाहरुख का डुओ क्या कमाल करता है। अगर रिलीज की बात की जाए तो ये फिल्म 2 जून 2023 को रिलीज होगी। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय। नाटो सेना उसे ढूंढ रही थी, तभी सेना को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि 25 से 30 गाड़ियों का एक काफिला उस गांव की तरफ देखा गया है। सेना हेलीकॉप्टर से बमबारी करने लगी। आधी से ज्यादा गाड़ियां बमबारी में उड़ गई और जितने बच्चे लोग थे वो गांव की गलियों में तर बतर भागने लगे। विद्रोहियों ने एक छोटे से पाइप में छुपे गद्दाफी को बाहर आने की नसीहत दी। उसे कहा गया कि सेना उस पर हमला नहीं करेगी अगर वो सरेंडर कर देगा। जैसे ही गद्दाफी बाहर आया, उसके दोनों पैरों पर विद्रोहियों ने गोली मार दी। विद्रोहियों का गुस्सा बढ़ चुका था और सेना भी दूर थी। ऐसे में जब तक सेना वहां पहुंच पाई, तब तक विद्रोहियों ने गद्दाफी को उसी की सोने के पिस्टल से गोली मार दी। ऐसे ही एक्शन पैक्ड होने वाली है शाहरुख खान स्टारर जवान। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अब जाते जाते आपके लिए फायदे की बात, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए इस जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए तब तक के लिए जाता गया था। अब अपकमिंग फिल्म का एक नया पोस्टर सोशल मीडिया पर लीक हो गया है। इसमें शाहरुख खान के लंबे बाल नजर आ रहे हैं, चेहरे पर बैंडेज के साथ मिस्ट्री लुक बरकरार रखा गया है और हाथ में नाइफ है जिसके अंदर SRK का एक अलग चेहरा है। इसने फिल्म के लिए उम्मीदों को और भी बढ़ा दिया है, जबकि कई प्रशंसक टीजर में उनके बैंडेज और चोटिल लुक से शॉक्ड हैं, तो यहां जवान का लुक 1990 के लोकप्रिय हॉलीवुड एंटी हीरो फिल्म डार्क मैन के समान ही लग रहा है। दोस्तों, ईयर 1990 की सुपर हीरो फिल्म में लियाम नीसन ने टाइटैनिक एंटी हीरो की भूमिका निभाई थी, जिसे जिंदा जलाने के बाद मृत के लिए छोड़ दिया गया था। उसने अपनी विकृत त्वचा को छिपाने के लिए खुद को पट्टियों में लपेट लिया और उन लोगों से बदला लेने के लिए लौट आया जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी। बैंडेड लुक और फिल्म जवान के पोस्टर के गहन विषय ने कई फैंस को तुलना करने के लिए प्रेरित किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान ने डार्क मैन से जवान लुक की नकल की। एक यूजर ने लिखा, शाहरुख जी 1990 की डार्क मैन हॉलीवुड फिल्म नहीं देखी क्या? दोस्तों, आप बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है और आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय। खान अपने डबल रोल में इंटेंस चेस सीक्वेंस के साथ जवान की शूटिंग खत्म करेंगे और अब इस फिल्म को लेकर लेटेस्ट अपडेट ये है कि फिल्म की लीडिंग लेडी नयनतारा ने भी एक हफ्ते के मुंबई शेड्यूल को पूरा कर लिया है। नयनतारा ने जवान का 9 दिन का लंबा शेड्यूल पूरा कर लिया है और अब वो 8 मार्च को चेन्नई वापस चली गई।
नयनतारा का जवान के लिए मुंबई शेड्यूल काफी अच्छा रहा। उन्होंने इस शेड्यूल में शाहरुख के साथ कुछ महत्वपूर्ण दृश्यों को शूट किया है, जबकि कुछ की शूटिंग राजस्थान में की जाएगी। हालांकि मेकर्स ने अभी इसके लिए डेट्स लॉक नहीं किए हैं। कुछ सीन्स ऐसे हैं जो निश्चित रूप से लोगों की जिज्ञासा को बढ़ा देंगे। जवान में शाहरुख खान के अलावा प्रियामणि, सान्या मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। वहीं नेगेटिव रोल में विजय सेतुपति नजर आएंगे। फिल्म का संगीत लोकप्रिय दक्षिण संगीत निर्देशक अनिरुद्ध रविचंदर ने तैयार किया है। शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित जवान 2 जून 2023 को 5 भाषाओं हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज होगी। तो दोस्तों, आपको इनके एक्शन सीन्स का कितना इंतजार है, मैं फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और फिलहाल के लिए बढ़ चुके हैं। दरअसल जवान फिल्म का पोस्टर अभी वायरल हो रहा है, जिसे खुद फैंस ने बड़ी मेहनत से बनाया है अपने किंग खान के लिए। जी हाँ, शाहरुख खान के कोलकाता फैन क्लब ने उनका ये पोस्टर वायरल कर दिया है। इसमें शाहरुख खान ब्लैक कलर के अटायर में हाथ में मशीन गन पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ उनके मुंह में जलती सिगरेट भी नजर आ रही है। शाहरुख का ये स्वैग सबको दीवाना बना रहा है और इस फैन मेड पोस्टर पर नेटिजंस काफी अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं। दोस्तों, सब ने यही कहा है कि कोलकाता वालों ने किंग खान पर अपना जो प्यार बरसाया है, उसे देख कर किंग खान जरूर खुश होंगे। कोलकाता वाले शाहरुख का एक्शन अवतार देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पर उन्हें 2 जून 2023 तक रुकना पड़ेगा जब फिल्म रिलीज होगी। वैसे शाहरुख के साथ फिल्म में नयनतारा नजर आने वाली है, विजय सेतुपति विलन बने हैं और संजू बाबा और डिंपल गर्ल दीपिका का कैमियो होने वाला है। मतलब ये एक मल्टी स्टार फिल्म है। वैसे जब शाहरुख ट्विटर पर अपना #AskSRK नाम का सेगमेंट करेंगे, जिसमें फैंस उन्हें सवाल पूछते हैं, उसमें शाहरुख इस पोस्टर को लेकर भी बात कर सकते हैं और उन्हें थैंक यू भी कह सकते हैं। देखते हैं कि अब शाहरुख खान इस पोस्टर पर क्या कहते हैं। तो दोस्तों, आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो। प्राउड फील हो ऐसा काम कर चुके हैं, वहां पर उनसे जुड़ी हर एक छोटी खबर इम्पोर्टेंट है। वैसे जवान का जो पोस्टर था, जिसमें पट्टियों में अपना चेहरा लपेटे हुए शाहरुख को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि उनका किरदार किस तरह का होगा, पर इस सवाल का थोड़ा सा जवाब देते हुए मेकर्स ने खुलासा किया है कि शाहरुख खान फिल्म में डबल रोल निभाएंगे और उनके एक कैरेक्टर का नाम होगा राजवर्धन ठाकुर, पर दूसरे कैरेक्टर का नाम अभी तक नहीं बताया गया है। पर कुछ गौर किया आपने, शाहरुख और राज, इनका कुछ ना कुछ पिछले जन्म का कनेक्शन है, तभी तो यहाँ पर भी उनके नाम में राज मौजूद है। और उनके इस नाम के कैरेक्टर कितने फेमस हो चुके हैं ये तो हम जानते ही हैं। उसमें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मोहब्बतें, दीवाना, चलते चलते, राजू बन गया जेंटलमैन, रोहित शेट्टी के दिलवाले, हे बेबी, बादशाह और रब ने बना दी जोड़ी, ऐसी 9 फिल्में शामिल हैं जिसमें राज का आइकॉनिक कैरेक्टर नजर आया था या आइकॉनिक कैरेक्टर बन गया। वैसे जवान में हमें दीपिका पादुकोण और संजय दत्त कैमियो करते हुए नजर आएंगे, पर उनका कैरेक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसी के साथ साथ फिल्म में नयनतारा, सान्या मल्होत्रा और फिल्म के विलन विजय सेतुपति भी नजर आने वाले हैं। साउथ फिल्म मेकर एटली कुमार फिल्म के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये एक पैन इंडिया फिल्म है। तो देखते हैं कि 2023 में ये जवान क्या धमाका करता है। साथ ही जाते जाते आप बताइए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मुझे यानी श्रुति को दीजिए जा। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान ने यशराज फिल्म्स की एक्शन एंटरटेनर पठान के टाइटल ट्रैक झूमे जो पठान में एक साथ थिरकते हुए दुनिया में तूफान ला दिया। अब ये जोड़ी एटली के जवान के लिए एक और मैसी नंबर के लिए फिर से मिल रही है, जहां दीपिका पादुकोण एक कैमियो लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देने के लिए तैयार हैं। एटली 20 अप्रैल तक अपनी बहुत प्रतीक्षित मसाला फिल्म की शूटिंग पूरी कर लेंगे।
फिल्म की शूटिंग 5 अप्रैल तक पूरी हो जाएगी। केवल 2 गानों की शूटिंग अभी बाकी है, जहां एक तरफ शाहरुख खान और नयनतारा के साथ शूट किया जाने वाला एक रोमांटिक नंबर है, वहीं दूसरा दीपिका और शाहरुख की मौजूदगी वाला एक ट्रैक है। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान पहले ही पठान के टाइटल ट्रैक झूमे जो पठान के साथ चार्ट बस्टर पर हिट हो चुके हैं। फिल्म का दूसरा मैसी ट्रैक बेशर्म रंग था, जहां दीपिका पादुकोण के बदले अवतार ने इंटरनेट तोड़ दिया था। जवान फिल्म का मैसी धमाकेदार नंबर इस साल उनका तीसरा ग्रूवी गाना होगा और फैंस पहले से ही उनकी केमिस्ट्री को फिर से देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा दिया गया है और अन्य डिटेल्स गुप्त रखे गए हैं। शाहरुख खान पहले 7 अप्रैल को नयनतारा के साथ रोमांटिक ट्रैक शूट करेंगे, फिर दीपिका पादुकोण के साथ गाने की शूटिंग करेंगे। कथित तौर पर दीपिका पादुकोण फिल्म में शाहरुख खान की पत्नी की भूमिका निभाती है, जिसे मार दिया जाता है और अभिनेता अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए एक मिशन पर निकल जाता है। शाहरुख खान फिल्म में दोहरी भूमिका निभा रहे हैं, जहां उन्होंने पिता और पुत्र की भूमिका निभाई है। फिल्म ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर और पठान के बाद शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की साथ में ये 5वीं फिल्म होगी। व्यूज की बात करें तो पठान फिल्म के बेशरम रंग ने यशराज फिल्म्स के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 391 मिलियन से अधिक व्यूज बटोरे हैं, जबकि झूमे जो पठान ने 422 मिलियन व्यूज हासिल किए हैं। जवान शाहरुख खान नयनतारा और विजय सेतुपति के साथ दीपिका पादुकोण एक विशेष भूमिका में है। 2 जून 2023 को स्क्रीन पर हिट होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? मैं फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार। उनमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। जब वो गांव लौटते थे तो वहां के बच्चों के साथ वो बातें करते, खेलते, उन्हें भारतीय सेना के बारे में कहानियां सुनाते। वहां से लौटने के बाद उनकी पोस्टिंग हुई सियाचिन ग्लेशियर्स में। ये वही ग्लेशियर है जहां टेम्परेचर माइनस में जाता है ऐसी कपकपाती ठंड कि शरीर को पिघला दे। वहां से वो चंडीगढ़ में गए, जहां उन्होंने ट्रेनिंग ली और फिर वो निकले अपने नए सफर पर। सियाचिन ग्लेशियर चढ़ने से पहले मनोहर पाटिल ने अपने परिवार को कॉल किया और कहा कि आज वो ग्लेशियर चढ़ने वाले हैं। फिर कुछ दिन बीत गए, उनका फिर से कॉल आया और उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश है क्योंकि वो पोस्ट के बड़े करीब है और शायद उतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद नेटवर्क ना मिले, इसलिए वो आज ही संवाद करने वाले हैं। कुछ दिन और बीत गए पर उनका कॉल नहीं आया। फिर 16 जुलाई को शाम 8 बजे उनके यूनिट से उनके परिवार को कॉल किया गया कि मनोहर पाटिल को इंजरी हो गई है और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। फिर कुछ दिन बीत गए, फिर से उनके यूनिट का कॉल गया और कहा गया कि उनकी हालत बड़ी नाजुक है और उन्हें दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। उनका परिवार रोने लगा। आर्मी द्वारा उनके परिवार को यह भी बताया गया कि उनके परिवार में से कोई भी 2 लोग दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि मनोहर पाटिल की ब्रेन सर्जरी हुई है और वो भी बेहोश है। 20 दिन बीत गए और मनोहर पाटिल को होश नहीं आया। उसके अगले दिन बाद उन्हें एक होश आया। उनकी हालत बड़ी नाजुक थी, वो कुछ कह नहीं पा रहे थे, ना हिल पा रहे थे, ना डुल पा रहे थे। उनका परिवार सिर्फ भगवान को प्रार्थना कर रहा था। फिर उसके अगले दिन मनोहर पाटिल की शरीर सुकड़ने लगी और उनकी सांसें बहुत तेज होने लगी और देखते ही देखते मनोहर पाटिल ने इस देश को छोड़ दिया। तो ऐसी ही एक वीर जवान की स्टोरी हो सकती है हमारी शाहरुख खान स्टारर जवान। जाते जाते आपके लिए गुड न्यूज है, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक बने। कब शुरू होगी शाहरुख खान और नयनतारा के गाने की शूटिंग? क्या दीपिका पादुकोण देंगी शाहरुख और नयनतारा का साथ? दोस्तों, साउथ फिल्म मेकर इटली कुमार और हमारे शाहरुख खान अपनी फिल्म जवान के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ये फिल्म 2023 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में शामिल है। इस हाई बजट फिल्म में शाहरुख के साथ नयनतारा, विजय सेतुपति जैसे माहिर एक्टर्स भी नजर आएंगे। अब इस फिल्म को लेकर ये बताया जा रहा है कि फिल्म का पहला गाना शूट होने वाला है। इस गाने को कंपोज करेंगे फेमस कंपोजर अनिरुद्ध। अप्रैल के पहले हफ्ते में गाने की शूटिंग होगी, वो भी मुंबई में। वैसे फिल्म के लिए अप्रैल महीना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस महीने में फिल्म के 2 गाने शूट हो जाएंगे।
इटली कुमार का ये प्लान है कि ये दोनों ही गाने सुपरहिट होने चाहिए, जिसके ऊपर फिल्म का सक्सेस डिपेंड करता है, और वो चाहते हैं कि गाने को लेकर कोई कंट्रोवर्सी ना हो। सो लेट्स वेट फॉर दिस। वैसे पठान के बाद शाहरुख खान जवान में इतने बिजी हो गए हैं कि अब उनकी एक झलक देखने के लिए भी उनके फैंस तरस रहे हैं। वैसे हम जल्द ही शाहरुख खान को फिल्म के जबरदस्त गानों में देखने वाले हैं, और जहां तक अप्रैल के पहले हफ्ते में पहला गाना शूट होगा तो उसकी झलक हमें जल्द ही देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं बल्कि फिल्म का दूसरा गाना शूट होगा जिसमें हमें दीपिका पादुकोण नजर आने वाली है, यानी कि दीपिका पादुकोण इस फिल्म में कैमियो करते हुए नजर आने वाली है। कहा जाता है कि ये गाना 15 अप्रैल तक रिकॉर्ड हो सकता है। वैसे बेशरम रंग गाने को लेकर जो बवाल हुआ था उसे ध्यान में रखते हुए इटली कुमार बहुत ही सावधानी से गाने को शूट करना चाहते हैं। देखते हैं कि इटली और शाहरुख का डुओ क्या कमाल करता है। अगर रिलीज की बात की जाए तो ये फिल्म 2 जून 2023 को रिलीज होगी। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय। नाटो सेना उसे ढूंढ रही थी, तभी सेना को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि 25 से 30 गाड़ियों का एक काफिला उस गांव की तरफ देखा गया है। सेना हेलीकॉप्टर से बमबारी करने लगी। आधी से ज्यादा गाड़ियां बमबारी में उड़ गई और जितने बच्चे लोग थे वो गांव की गलियों में तरबतर भागने लगे। विद्रोहियों ने एक छोटे से पाइप में छुपे गद्दाफी को बाहर आने की नसीहत दी। उसे कहा गया कि सेना उस पर हमला नहीं करेगी अगर वो सरेंडर कर देगा। जैसे ही गद्दाफी बाहर आया उसके दोनों पैरों पर विद्रोहियों ने गोली मार दी। विद्रोहियों का गुस्सा बढ़ चुका था और सेना भी दूर थी। ऐसे में जब तक सेना वहां पहुंच पाई तब तक विद्रोहियों ने गद्दाफी को उसी की सोने के पिस्टल से गोली मार दी। ऐसे ही एक्शन पैक्ड होने वाली है शाहरुख खान स्टारर जवान। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अब जाते जाते आपके लिए फायदे की बात, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए इस जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए तब तक के लिए जा गया था। अब अपकमिंग फिल्म का एक नया पोस्टर सोशल मीडिया पर लीक हो गया है। इसमें शाहरुख खान के लंबे बाल नजर आ रहे हैं, चेहरे पर बैंडेज के साथ मिस्ट्री लुक बरकरार रखा गया है और हाथ में नाइफ है जिसके अंदर SRK का एक अलग चेहरा है। इसने फिल्म के लिए उम्मीदों को और भी बढ़ा दिया है, जबकि कई प्रशंसक टीजर में उनके बैंडेज और चोटिल लुक से शॉक्ड हैं, तो यहाँ जवान का लुक 1990 के लोकप्रिय हॉलीवुड एंटी हीरो फिल्म डार्क मैन के समान ही लग रहा है। दोस्तों ईयर 1990 की सुपर हीरो फिल्म में लियाम नीसन ने टाइटैनिक एंटी हीरो की भूमिका निभाई थी, जिसे जिंदा जलाने के बाद मृत के लिए छोड़ दिया गया था। उसने अपनी विकृत त्वचा को छिपाने के लिए खुद को पट्टियों में लपेट लिया और उन लोगों से बदला लेने के लिए लौट आया जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी। बैंडेड लुक और फिल्म जवान के पोस्टर के गहन विषय ने कई फैंस को तुलना करने के लिए प्रेरित किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान ने डार्क मैन से जवान लुक की नकल की। एक यूजर ने लिखा, शाहरुख जी 1990 की डार्क मैन हॉलीवुड फिल्म नहीं देखी क्या? दोस्तों आप बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है और आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय। खान अपने डबल रोल में इंटेंस चेस सीक्वेंस के साथ जवान की शूटिंग खत्म करेंगे और अब इस फिल्म को लेकर लेटेस्ट अपडेट ये है कि फिल्म की लीडिंग लेडी नयनतारा ने भी एक हफ्ते के मुंबई शेड्यूल को पूरा कर लिया है। नयनतारा ने जवान का 9 दिन का लंबा शेड्यूल पूरा कर लिया है और अब वो 8 मार्च को चेन्नई वापस चली गई। नयनतारा का जवान के लिए मुंबई शेड्यूल काफी अच्छा रहा। उन्होंने इस शेड्यूल में शाहरुख के साथ कुछ महत्वपूर्ण दृश्यों को शूट किया है जबकि कुछ की शूटिंग राजस्थान में ही जाएगी। हालांकि मेकर्स ने अभी इसके लिए डेट्स लॉक नहीं किए हैं। कुछ सीन्स ऐसे हैं जो निश्चित रूप से लोगों की जिज्ञासा को बढ़ा देंगे। जवान में शाहरुख खान के अलावा प्रिया मणि, सान्या मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। वहीं नेगेटिव रोल में विजय सेतुपति नजर आएंगे। फिल्म का संगीत लोकप्रिय दक्षिण संगीत निर्देशक अनिरुद्ध रविचंद्र ने तैयार किया है।
शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित जवान 2 जून 2023 को 5 भाषाओं हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज होगी। तो दोस्तों, आपको इनके एक्शन सीन्स का कितना इंतजार है, मैं फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और फिलहाल के लिए बढ़ चुके हैं। दरअसल जवान फिल्म का पोस्टर अभी वायरल हो रहा है, जिसे खुद फैंस ने बड़ी मेहनत से बनाया है अपने किंग खान के लिए। जी हाँ, शाहरुख खान के कोलकाता फैन क्लब ने उनका ये पोस्टर वायरल कर दिया है। इसमें शाहरुख खान ब्लैक कलर के अटायर में हाथ में मशीन गन पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ उनके मुंह में जलती सिगरेट भी नजर आ रही है। शाहरुख का ये स्वैग सबको दीवाना बना रहा है, और इस फैन मेड पोस्टर पर नेटिजन्स काफी अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं। दोस्तों, सब ने यही कहा है कि कोलकाता वालों ने किंग खान पर अपना जो प्यार बरसाया है, उसे देखकर किंग खान जरूर खुश होंगे। कोलकाता वाले शाहरुख का एक्शन अवतार देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पर उन्हें 2 जून 2023 तक रुकना पड़ेगा जब फिल्म रिलीज होगी। वैसे शाहरुख के साथ फिल्म में नयनतारा नजर आने वाली है, विजय सेतुपति विलन बने हैं, और संजू बाबा और डिंपल गर्ल दीपिका का कैमियो होने वाला है। मतलब ये एक मल्टी स्टार फिल्म है। वैसे जब शाहरुख ट्विटर पर अपना #AskSRK नाम का सेगमेंट करेंगे, जिसमें फैंस उन्हें सवाल पूछते हैं, उसमें शाहरुख इस पोस्टर को लेकर भी बात कर सकते हैं और उन्हें थैंक यू भी कह सकते हैं। देखते हैं कि अब शाहरुख खान इस पोस्टर पर क्या कहते हैं। तो दोस्तों, आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो। प्राउड फील हो ऐसा काम कर चुके हैं, वहां पर उनसे जुड़ी हर एक छोटी खबर इम्पोर्टेंट है। वैसे जवान का जो पोस्टर था, जिसमें पट्टियों में अपना चेहरा लपेटे हुए शाहरुख को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि उनका किरदार किस तरह का होगा, पर इस सवाल का थोड़ा सा जवाब देते हुए मेकर्स ने खुलासा किया है कि शाहरुख खान फिल्म में डबल रोल निभाएंगे और उनके एक कैरेक्टर का नाम होगा राजवर्धन ठाकुर, पर दूसरे कैरेक्टर का नाम अभी तक नहीं बताया गया है। पर कुछ गौर किया आपने, शाहरुख और राज, इनका कुछ ना कुछ पिछले जन्म का कनेक्शन है, तभी तो यहाँ पर भी उनके नाम में राज मौजूद है। और उनके इस नाम के कैरेक्टर कितने फेमस हो चुके हैं ये तो हम जानते ही हैं। उसमें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मोहब्बतें, दीवाना, चलते चलते, राजू बन गया जेंटलमैन, रोहित शेट्टी के दिलवाले, हे बेबी, बादशाह और रब ने बना दी जोड़ी, ऐसी 9 फिल्में शामिल हैं जिसमें राज का आइकॉनिक कैरेक्टर नजर आया था या आइकॉनिक कैरेक्टर बन गया। वैसे जवान में हमें दीपिका पादुकोण और संजय दत्त कैमियो करते हुए नजर आएंगे, पर उनका कैरेक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसी के साथ साथ फिल्म में नयनतारा, सान्या मल्होत्रा और फिल्म के विलन विजय सेतुपति भी नजर आने वाले हैं। साउथ फिल्म मेकर एटली कुमार फिल्म के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये एक पैन इंडिया फिल्म है। तो देखते हैं कि 2023 में ये जवान क्या धमाका करता है। साथ ही जाते जाते आप बताइए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान ने यशराज फिल्म्स की एक्शन एंटरटेनर पठान के टाइटल ट्रैक झूमे जो पठान में एक साथ थिरकते हुए दुनिया में तूफान ला दिया। अब ये जोड़ी एटली के जवान के लिए एक और मैसी नंबर के लिए फिर से मिल रही है, जहां दीपिका पादुकोण एक कैमियो लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देने के लिए तैयार हैं। एटली 20 अप्रैल तक अपनी बहुत प्रतीक्षित मसाला फिल्म की शूटिंग पूरी कर लेंगे। फिल्म की शूटिंग 5 अप्रैल तक पूरी हो जाएगी, केवल 2 गानों की शूटिंग अभी बाकी है, जहां एक तरफ शाहरुख खान और नयनतारा के साथ शूट किया जाने वाला एक रोमांटिक नंबर है, वहीं दूसरा दीपिका और शाहरुख की मौजूदगी वाला एक ट्रैक है। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान पहले ही पठान के टाइटल ट्रैक झूमे जो पठान के साथ चार्ट बस्टर पर हिट हो चुके हैं। फिल्म का दूसरा मैसी ट्रैक बेशर्म रंग था, जहां दीपिका पादुकोण के बदले अवतार ने इंटरनेट तोड़ दिया था। जवान फिल्म का मैसी धमाकेदार नंबर इस साल उनका तीसरा ग्रूवी गाना होगा, और फैंस पहले से ही उनकी केमिस्ट्री को फिर से देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा दिया गया है और अन्य डिटेल्स गुप्त रखे गए हैं। शाहरुख खान पहले 7 अप्रैल को नयनतारा के साथ रोमांटिक ट्रैक शूट करेंगे, फिर दीपिका पादुकोण के साथ गाने की शूटिंग करेंगे।
कथित तौर पर दीपिका पादुकोण फिल्म में शाहरुख खान की पत्नी की भूमिका निभाती है जिसे मार दिया जाता है और अभिनेता अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए एक मिशन पर निकल जाता है। शाहरुख खान फिल्म में दोहरी भूमिका निभा रहे हैं जहां उन्होंने पिता और पुत्र की भूमिका निभाई है। फिल्म ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर और पठान के बाद शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की साथ में ये पांचवी फिल्म होगी। व्यूज की बात करें तो पठान फिल्म के बेशरम रंग ने यशराज फिल्म्स के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 391 मिलियन से अधिक व्यूज बटोरे हैं, जबकि झूमे जो पठान ने 422 मिलियन व्यूज हासिल किए हैं। जवान शाहरुख खान नयनतारा और विजय सेतुपति के साथ दीपिका पादुकोण एक विशेष भूमिका में है। 2 जून 2023 को स्क्रीन पर हिट होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार। उनमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। जब वो गांव लौटते थे तो वहां के बच्चों के साथ वो बातें करते, खेलते, उन्हें भारतीय सेना के बारे में कहानियां सुनाते। वहां से लौटने के बाद उनकी पोस्टिंग हुई सियाचिन ग्लेशियर्स में। ये वही ग्लेशियर है जहां टेम्परेचर माइनस में जाता है ऐसी कपकपाती ठंड कि शरीर को पिघला दे। वहां से वो चंडीगढ़ में गए जहां उन्होंने ट्रेनिंग ली और फिर वो निकले अपने नए सफर पर। सियाचिन ग्लेशियर चढ़ने से पहले मनोहर पाटिल ने अपने परिवार को कॉल किया और कहा कि आज वो ग्लेशियर चढ़ने वाले। फिर कुछ दिन बीत गए, उनका फिर से कॉल आया और उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश है क्योंकि वो पोस्ट के बड़े करीब है और शायद उतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद नेटवर्क ना मिले इसलिए वो आज ही संवाद करने वाले हैं। कुछ दिन और बीत गए पर उनका कॉल नहीं आया। फिर 16 जुलाई को शाम 8 बजे उनके यूनिट से उनके परिवार को कॉल किया गया कि मनोहर पाटिल को इंजरी हो गई है और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। फिर कुछ दिन बीत गए, फिर से उनके यूनिट का कॉल गया और कहा गया कि उनकी हालत बड़ी नाजुक है और उन्हें दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। उनका परिवार रोने लगा। आर्मी द्वारा उनके परिवार को यह भी बताया गया कि उनके परिवार में से कोई भी दो लोग दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि मनोहर पाटिल की ब्रेन सर्जरी हुई है और वो भी बेहोश है। 20 दिन बीत गए और मनोहर पाटिल को होश नहीं आया। उसके अगले दिन बाद उन्हें एक होश आया। उनकी हालत बड़ी नाजुक थी, वो कुछ कह नहीं पा रहे थे, ना हिल पा रहे थे, ना डुल पा रहे थे। उनका परिवार सिर्फ भगवान को प्रार्थना कर रहा था। फिर उसके अगले दिन मनोहर पाटिल की शरीर सुकड़ने लगी और उनकी सांसें बहुत तेज होने लगी और देखते ही देखते मनोहर पाटिल ने इस देश को छोड़ दिया। तो ऐसी ही एक वीर जवान की स्टोरी हो सकती है हमारी शाहरुख खान स्टारर जवान। जाते जाते आपके लिए गुड न्यूज है, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक बने। कब शुरू होगी शाहरुख खान और नयनतारा के गाने की शूटिंग? क्या दीपिका पादुकोण देंगी शाहरुख और नयनतारा का साथ? दोस्तों, साउथ फिल्म मेकर इटली कुमार और हमारे शाहरुख खान अपनी फिल्म जवान के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ये फिल्म 2023 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में शामिल है। इस हाई बजट फिल्म में शाहरुख के साथ नयनतारा, विजय सेतुपति जैसे माहिर एक्टर्स भी नजर आएंगे। अब इस फिल्म को लेकर ये बताया जा रहा है कि फिल्म का पहला गाना शूट होने वाला है। इस गाने को कंपोज करेंगे फेमस कंपोजर अनिरुद्ध। अप्रैल के पहले हफ्ते में गाने की शूटिंग होगी, वो भी मुंबई में। वैसे फिल्म के लिए अप्रैल महीना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस महीने में फिल्म के दो गाने शूट हो जाएंगे। इटली कुमार का ये प्लान है कि ये दोनों ही गाने सुपरहिट होने चाहिए, जिसके ऊपर फिल्म का सक्सेस डिपेंड करता है और वो चाहते हैं कि गाने को लेकर कोई कंट्रोवर्सी ना हो। सो लेट्स वेट फॉर दिस। वैसे पठान के बाद शाहरुख खान जवान में इतने बिजी हो गए हैं कि अब उनकी एक झलक देखने के लिए भी उनके फैंस तरस रहे हैं। वैसे हम जल्द ही शाहरुख खान को फिल्म के जबरदस्त गानों में देखने वाले हैं और जहां तक अप्रैल के पहले हफ्ते में पहला गाना शूट होगा तो उसकी झलक हमें जल्द ही देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं बल्कि फिल्म का दूसरा गाना शूट होगा जिसमें हमें दीपिका पादुकोण नजर आने वाली है, यानी कि दीपिका पादुकोण इस फिल्म में कैमियो करते हुए नजर आने वाली है। कहा जाता है कि ये गाना 15 अप्रैल तक रिकॉर्ड हो सकता है। वैसे बेशरम रंग गाने को लेकर जो बवाल हुआ था उसे ध्यान में रखते हुए इटली कुमार बहुत ही सावधानी से गाने को शूट करना चाहते हैं।
देखते हैं कि इटली और शाहरुख का डुओ क्या कमाल करता है। अगर रिलीज की बात की जाए तो ये फिल्म 2 जून 2023 को रिलीज होगी। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय। नाटो सेना उसे ढूंढ रही थी, तभी सेना को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि 25 से 30 गाड़ियों का एक काफिला उस गांव की तरफ देखा गया है। सेना हेलीकॉप्टर से बमबारी करने लगी। आधी से ज्यादा गाड़ियां बमबारी में उड़ गई और जितने बच्चे लोग थे वो गांव की गलियों में तर बतर भागने लगे। विद्रोहियों ने एक छोटे से पाइप में छुपे गद्दाफी को बाहर आने की नसीहत दी। उसे कहा गया कि सेना उस पर हमला नहीं करेगी अगर वो सरेंडर कर देगा। जैसे ही गद्दाफी बाहर आया उसके दोनों पैरों पर विद्रोहियों ने गोली मार दी। विद्रोहियों का गुस्सा बढ़ चुका था और सेना भी दूर थी। ऐसे में जब तक सेना वहां पहुंच पाई तब तक विद्रोहियों ने गद्दाफी को उसी की सोने की पिस्टल से गोली मार दी। ऐसे ही एक्शन पैक्ड होने वाली है शाहरुख खान स्टारर जवान। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अब जाते जाते आपके लिए फायदे की बात, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए इस जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए तब तक के लिए जाहा गया था। अब अपकमिंग फिल्म का एक नया पोस्टर सोशल मीडिया पर लीक हो गया है। इसमें शाहरुख खान के लंबे बाल नजर आ रहे हैं, चेहरे पर बैंडेज के साथ मिस्ट्री लुक बरकरार रखा गया है और हाथ में नाइफ है जिसके अंदर SRK का एक अलग चेहरा है। इसने फिल्म के लिए उम्मीदों को और भी बढ़ा दिया है, जबकि कई प्रशंसक टीजर में उनके बैंडेज और चोटिल लुक से शॉक्ड हैं, तो यहाँ जवान का लुक 1990 के लोकप्रिय हॉलीवुड एंटी हीरो फिल्म डार्क मैन के समान ही लग रहा है। दोस्तों ईयर 1990 की सुपर हीरो फिल्म में लियाम नीसन ने टाइटैनिक एंटी हीरो की भूमिका निभाई थी, जिसे जिंदा जलाने के बाद मृत के लिए छोड़ दिया गया था। उसने अपनी विकृत त्वचा को छिपाने के लिए खुद को पट्टियों में लपेट लिया और उन लोगों से बदला लेने के लिए लौट आया जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी। बैंडेड लुक और फिल्म जवान के पोस्टर के गहन विषय ने कई फैंस को तुलना करने के लिए प्रेरित किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान ने डार्क मैन से जवान लुक की नकल की। एक यूजर ने लिखा, शाहरुख जी 1990 की डार्क मैन हॉलीवुड फिल्म नहीं देखी क्या? दोस्तों आप बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है और आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय। खान अपने डबल रोल में इंटेंस चेस सीक्वेंस के साथ जवान की शूटिंग खत्म करेंगे और अब इस फिल्म को लेकर लेटेस्ट अपडेट ये है कि फिल्म की लीडिंग लेडी नयनतारा ने भी एक हफ्ते के मुंबई शेड्यूल को पूरा कर लिया है। नयनतारा ने जवान का 9 दिन का लंबा शेड्यूल पूरा कर लिया है और अब वो 8 मार्च को चेन्नई वापस चली गई। नयनतारा का जवान के लिए मुंबई शेड्यूल काफी अच्छा रहा। उन्होंने इस शेड्यूल में शाहरुख के साथ कुछ महत्वपूर्ण दृश्यों को शूट किया है जबकि कुछ की शूटिंग राजस्थान में ही जाएगी। हालांकि मेकर्स ने अभी इसके लिए डेट्स लॉक नहीं किए हैं। कुछ सीन्स ऐसे हैं जो निश्चित रूप से लोगों की जिज्ञासा को बढ़ा देंगे। जवान में शाहरुख खान के अलावा प्रिया मणि, सान्या मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। वहीं नेगेटिव रोल में विजय सेतुपति नजर आएंगे। फिल्म का संगीत लोकप्रिय दक्षिण संगीत निर्देशक अनिरुद्ध रविचंद्र ने तैयार किया है। शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित जवान 2 जून 2023 को 5 भाषाओं हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज होगी। तो दोस्तों आपको इनके एक्शन सीन्स का कितना इंतजार है हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और फिलहाल के लिए बढ़ चुके हैं। दरअसल जवान फिल्म का पोस्टर अभी वायरल हो रहा है जिसे खुद फैंस ने बड़ी मेहनत से बनाया है अपने किंग खान के लिए। जी हाँ, शाहरुख खान के कोलकाता फैन क्लब ने उनका ये पोस्टर वायरल कर दिया है। इसमें शाहरुख खान ब्लैक कलर के अटायर में हाथ में मशीन गन पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ उनके मुंह में जलती सिगरेट भी नजर आ रही है। शाहरुख का ये स्वैग सबको दीवाना बना रहा है और इस फैन मेड पोस्टर पर नेटिजंस काफी अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं। दोस्तों सबने यही कहा है
कि कोलकाता वालों ने किंग खान पर अपना जो प्यार बरसाया है उसे देखकर किंग खान जरूर खुश होंगे। कोलकाता वाले शाहरुख का एक्शन अवतार देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पर उन्हें 2 जून 2023 तक रुकना पड़ेगा जब फिल्म रिलीज होगी। वैसे शाहरुख के साथ फिल्म में नयनतारा नजर आने वाली है, विजय सेतुपति विलन बने हैं और संजू बाबा और डिंपल गर्ल दीपिका का कैमियो होने वाला है। मतलब ये एक मल्टी स्टार फिल्म है। वैसे जब शाहरुख ट्विटर पर अपना हैशटैग आस्क एसआरके नाम का सेगमेंट करेंगे जिसमें फैंस उन्हें सवाल पूछते हैं, उसमें शाहरुख इस पोस्टर को लेकर भी बात कर सकते हैं और उन्हें थैंक यू भी कह सकते हैं। देखते हैं कि अब शाहरुख खान इस पोस्टर पर क्या कहते हैं। तो दोस्तों आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो। प्राउड फील हो ऐसा काम कर चुके हैं, वहां पर उनसे जुड़ी हर एक छोटी खबर इम्पोर्टेंट है। वैसे जवान का जो पोस्टर था जिसमें पट्टियों में अपना चेहरा लपेटे हुए शाहरुख को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि उनका किरदार किस तरह का होगा, पर इस सवाल का थोड़ा सा जवाब देते हुए मेकर्स ने खुलासा किया है कि शाहरुख खान फिल्म में डबल रोल निभाएंगे और उनके एक कैरेक्टर का नाम होगा राजवर्धन ठाकुर, पर दूसरे कैरेक्टर का नाम अभी तक नहीं बताया गया है। पर कुछ गौर किया आपने, शाहरुख और राज, इनका कुछ ना कुछ पिछले जन्म का कनेक्शन है, तभी तो यहाँ पर भी उनके नाम में राज मौजूद है। और उनके इस नाम के कैरेक्टर कितने फेमस हो चुके हैं ये तो हम जानते ही हैं। उसमें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मोहब्बतें, दीवाना, चलते चलते, राजू बन गया जेंटलमैन, रोहित शेट्टी के दिलवाले, हे बेबी, बादशाह और रब ने बना दी जोड़ी, ऐसी 9 फिल्में शामिल हैं जिसमें राज का आइकॉनिक कैरेक्टर नजर आया था या आइकॉनिक कैरेक्टर बन गया। वैसे जवान में हमें दीपिका पादुकोण और संजय दत्त कैमियो करते हुए नजर आएंगे, पर उनका कैरेक्टर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। उसी के साथ साथ फिल्म में नयनतारा, सान्या मल्होत्रा और फिल्म के विलन विजय सेतुपति भी नजर आने वाले हैं। साउथ फिल्म मेकर एटली कुमार फिल्म के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं क्योंकि ये एक पैन इंडिया फिल्म है। तो देखते हैं कि 2023 में ये जवान क्या धमाका करता है। साथ ही जाते जाते आप बताइए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में और वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान ने यशराज फिल्म्स की एक्शन एंटरटेनर पठान के टाइटल ट्रैक झूमे जो पठान में एक साथ थिरकते हुए दुनिया में तूफान ला दिया। अब ये जोड़ी एटली के जवान के लिए एक और मैसी नंबर के लिए फिर से मिल रही है, जहां दीपिका पादुकोण एक कैमियो लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देने के लिए तैयार हैं। एटली 20 अप्रैल तक अपनी बहुत प्रतीक्षित मसाला फिल्म की शूटिंग पूरी कर लेंगे। फिल्म की शूटिंग 5 अप्रैल तक पूरी हो जाएगी, केवल 2 गानों की शूटिंग अभी बाकी है, जहां एक तरफ शाहरुख खान और नयनतारा के साथ शूट किया जाने वाला एक रोमांटिक नंबर है, वहीं दूसरा दीपिका और शाहरुख की मौजूदगी वाला एक ट्रैक है। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान पहले ही पठान के टाइटल ट्रैक झूमे जो पठान के साथ चार्ट बस्टर पर हिट हो चुके हैं। फिल्म का दूसरा मैसी ट्रैक बेशर्म रंग था, जहां दीपिका पादुकोण के बदले अवतार ने इंटरनेट तोड़ दिया था। जवान फिल्म का मैसी धमाकेदार नंबर इस साल उनका तीसरा ग्रूवी गाना होगा और फैंस पहले से ही उनकी केमिस्ट्री को फिर से देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा दिया गया है और अन्य डिटेल्स गुप्त रखे गए हैं। शाहरुख खान पहले 7 अप्रैल को नयनतारा के साथ रोमांटिक ट्रैक शूट करेंगे, फिर दीपिका पादुकोण के साथ गाने की शूटिंग करेंगे। कथित तौर पर दीपिका पादुकोण फिल्म में शाहरुख खान की पत्नी की भूमिका निभाती है जिसे मार दिया जाता है और अभिनेता अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए एक मिशन पर निकल जाता है। शाहरुख खान फिल्म में दोहरी भूमिका निभा रहे हैं, जहां उन्होंने पिता और पुत्र की भूमिका निभाई है। फिल्म ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर और पठान के बाद शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की साथ में ये 5। कौन है ये राजवीर अशर, क्यों फिल्म एक्सपर्ट्स ने ताना वीएफएक्स पर निशाना, किस तरह खान्स का हेयर स्टाइल होता है फेमस। दोस्तों राजवीर अशर ये वो शख्स है जिन्होंने फिल्म पठान के असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया है। इन्होंने जवान का प्रीव्यू देखने के बाद फिल्म की तारीफ करते हुए ये कहा कि शाहरुख सर तो अलग ही मिट्टी के बने हैं, मतलब कोई प्रमोशन नहीं, कोई तामझाम नहीं, कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं, और
ना ही 700 करोड़ रुपए का बजट और ना ही फिल्म 3D में देखने की रिक्वेस्ट, पर फिर भी अभी से ऑडियंस ने जवान को तो सर पर ले लिया है। अब उनकी तारीफ तो सही है, पर 700 करोड़ का बजट, इस बात को अगर हम थोड़ा सा हाईलाइट करें ना, तो हमें याद आएगी फिल्म आदि पुरुष, जिसका बजट भी 700 करोड़ रुपए था और VFX पर तो एक्स्ट्रा पैसे बहाए गए थे। तो उसी को ताना मारते हुए राजवीर ने ये कहा है, यानी कि राजवीर ने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं, मतलब कि एक तरफ तारीफ करके तो एक तरफ ताना मार दिया। वैसे फिल्म जवान में शाहरुख खान ने अपना जो गंजा लुक दिखाया है उसे देखने के बाद फैंस क्रेजी हो रहे हैं, और ऊपर से उनके माथे पर उन्होंने टैटू भी बनवाया है। अब देखा जाए तो शाहरुख का ये हेयर स्टाइल मशहूर हो चुका है और लगता है कि अब सैलून में भी भीड़ लगने वाली है। अरे सैलून की क्या जरूरत है, ये हेयर स्टाइल तो घर पर भी हो सकता है। इतना ही नहीं बल्कि थिएटर्स में कुछ फैंस यही गंजा लुक करके जाएंगे और फिल्म देखेंगे, क्योंकि ऐसा हुआ था आमिर खान की फिल्म गजनी के साथ। देखा जाए तो ये जो खान्स है ना, उनकी फिल्मों के साथ साथ उनका हेयर स्टाइल भी ना काफ़ी फेमस हो जाता है। अब आमिर खान का गजनी कट तो फेमस हुआ ही था, तो वहीं सलमान खान का तेरे नाम वाला हेयर स्टाइल भी पीछे नहीं था। जिसे देखो वो तेरे नाम हेयर स्टाइल करके सलमान को कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। ऐसी हालत में शाहरुख खान पीछे कैसे रह सकते थे भला, जरूर ये स्टाइल फॉलो किया जाएगा और जो लोग गंजे हैं ना उन्हें तो मजा आ रहा होगा ये कहते हुए कि देखो शाहरुख भाई ने हमारा हेयर स्टाइल कॉपी किया है, मतलब अपने गंजेपन को छुपाने के लिए अच्छा नुस्खा अपनाया जाएगा। फिल्म एक्सपर्ट जिम्मी और केनी का कहना है कि शाहरुख खान ने प्रीव्यू में बहुत सारे सरप्राइजेस को रिवील कर दिया है जो नहीं करना चाहिए था। मसाला से भरपूर है ये फिल्म, फिर भी हर एक मसाले को पहले ही रिवील करने की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी शाहरुख खान अपना कमाल दिखाने में कामयाब हो चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि शाहरुख खान के गंजे लुक को देखकर भी उन्होंने तारीफ की और फिल्म पहले दिन अच्छी खासी कमाई करेगी ऐसा भी उनका कहना है। पर उनका ये कहना है कि VFX थोड़े ज़्यादा है, मतलब इतने VFX की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी जब तक वो फिल्म पूरी नहीं देखते तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। उनकी इन बातों पर कमेंट करते हुए फैंस ने ये कहा है कि ये एक्सपर्ट्स शाहरुख खान को पसंद नहीं करते हैं, पर फिर भी उन्होंने अगर तारीफ की है तो इसका मतलब फिल्म ज़रूर ब्लॉकबस्टर साबित होगी। फिलहाल दोस्तों आप हमें ये बताइए कि आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय। चार साल तक गायब रहकर कमबैक ऐसा करो कि 4 लाख लोग बोले वाह कमबैक हो तो ऐसा। आजकल जहां एक्टर्स 4 दिन तक सोशल मीडिया पर फिल्मी दुनिया से दूर नहीं रह सकते, वहीं शाहरुख खान पूरे 4 साल तक गायब रहे और किंग की तरह एंट्री मारी। पठान ने बेस सेट किया और जवान ने इस बेस पर आउट ऑफ कंट्रोल फायरिंग की। बट वी नीड मोर, वी नीड जवान सिनेमैटिक यूनिवर्स जो बनने के 90% चांसेस है, क्योंकि एटली भाई ने खुद कहा है कि उन्हें अच्छी स्क्रिप्ट मिली तो वो इस फिल्म का पार्ट 2 जरूर बनाएंगे और इसीलिए उन्होंने इस फिल्म की एंडिंग को रखा है ओपन। अब पार्ट 2 बनता है तो उसमें कौन से किरदार आएंगे इस पर बात की जाए तो देयर आर वाइड पॉसिबल कैरेक्टर्स जिन्हें किया जाएगा एक्सप्लोर। दोस्तों सबसे पहले अगर इस साल के सबसे बड़े बैडास विलन काली की बात की जाए जिसका किरदार काफी ब्रूचुअल था और जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में जोफरी के मरने पर लोग खुश हुए थे या फिर लायन किंग में स्कार के मरने पर लोग खुश हुए थे, उसी तरह की खुशी काली के मरने पर भी मिली थी, क्योंकि जब काली ने फिल्म में कई लिमिट्स क्रॉस कर दी थी और विजय सेतुपति नेवर डिसअपॉइंट इतना अच्छा बलन का किरदार प्ले किया ना कि हमें क्लासिकल बलन मोकैम्बो की याद दिला दी। अमरीश पुरी सर विल बी वेरी हैप्पी इन हेवन आफ्टर दिस। बैक टू द पॉइंट, काली मर चुका है इसलिए अब वो वापस नहीं आने वाला है और उसी तरह से दीपिका पादुकोण के किरदार की भी डेथ हो चुकी है इसलिए वो भी सैडली पार्ट 2 का हिस्सा नहीं होंगी। लेकिन जवान में जब जब वो आई तब तब ध्यान उन्हीं पर रहा। उसके बाद आजाद की टीम में शामिल वो 6 लड़कियां जिनमें से प्रियामणि के किरदार की तो डेथ हो चुकी है लेकिन अभी भी बाकी है 5 लड़कियां और फिल्म के एंड में वो भी आजाद नर्मदा यानी कि नयनतारा और विक्रम राठौर के साथ किसी आईलाइन पर जल मार रही थी। आजाद की ये टीम हमें मनी हिस्ट की याद दिलाती है
और ये टीम यहीं पर नहीं रुकने वाली और आजाद के साथ मिलकर स्विस बैंक में जिन लुटेरों के पैसे हैं उन्हें लूटने वाली है, क्योंकि आजाद की एंड वाली स्पीच और शाहरुख के आस्क एसआर की दोनों में ही स्विस बैंक मेंशन्ड है दोस्तों। इसीलिए आजाद और उसकी इन पावर पफ गर्ल्स जवान 2 में अपने अगले मिशन पर जाती हुई नजर आएंगी और अब उनकी टीम में नयनतारा का किरदार भी हो चुका है शामिल, क्योंकि इन सभी ने काम अच्छा किया लेकिन गैर कानूनी तरीके से किया, तो उनकी और आजाद की नौकरी तो गई और अब ये कॉमन लोग अनकॉमन चीजें करने वाले हैं। उसके बाद है संजय दत्त का किरदार जो था मास्टरमाइंड। पहले हमें लगा कि वो आजाद के खिलाफ है लेकिन ये बंदा तो पहले से ही आजाद की मदद कर रहा था और आगे भी करता रहेगा, इसलिए जवान 2 में संजू बाबा की जगह तो पक्की है। लेकिन मानना पड़ेगा बॉस, संजय दत्त इस वक्त टॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों ही इंडस्ट्रीज में थानोस की इंफिनिटी रिंग्स की तरह फिल्म कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बंदे के पास कुल मिलाकर 7 अपकमिंग फिल्में हैं विद बिग एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स। और आपको याद दिला दे कि हमारे मुन्ना भाई अपने 60s में हैं और हम अपने 20s में होते हुए भी कमर के दर्द से परेशान हैं। उसके बाद बैडएस कैरेक्टर विक्रम राठौर, जिसकी वजह से फिल्म में और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोनों में ही 4 चांद लगे। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, आजाद वाला किरदार अकेले इस फिल्म का भार नहीं संभाल पाता। अगर विक्रम राठौर का किरदार नहीं होता तो फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट भी नहीं होती। और ये बंदा तो अपनी एक पूरी स्पिन ऑफ फिल्म भी डिजर्व करता है जो बन सकती है एज पर एटली, क्योंकि हमारी तरह उन्हें भी ये किरदार काफी पसंद है और उन्हें ऐसे डेडली पापा वाले किरदारों पर फिल्म बनाना भी बहुत पसंद है। लेकिन अगर स्पिन ऑफ नहीं सीक्वल बनती है फिर भी विक्रम राठौर तो होगा ही, क्योंकि ही इज स्टिल अलाइव और अब तो उनकी याददाश्त भी वापस आ चुकी है। विक्रम राठौर का किरदार हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं और खोकर सब कुछ हासिल कर देना इन दोनों ही बातों का प्योर एग्जाम्पल है। उसके बाद एक और किरदार है जो पॉसिबल विलन भी बन सकता है और वो है रशिया वाला माफिया, जिसके साथ काली गया था डील करने, जिसका चेहरा एक अजीब मास्क के साथ कवर्ड था और उसके पास चिता भी था और इस वाले सीन को काफी जल्दी जल्दी कर दिया गया था और उसकी कहानी भी अधूरी है, जिस वजह से पॉसिबल है कि ये वाला किरदार ही जवान 2 का मेन विलन बने, जैसे इस साल आई फास्ट एंड फ्यूरियस 10 में फास्ट एंड फ्यूरियस 5 वाला विलन वापस लौट कर आया, जिसकी फास्ट 5 में हमें सिर्फ एक झलक दिखाई दी थी, जैसे इस मिस्ट्री रशियन मैन की दिखी जवान में। सो इस किरदार को एक्सप्लोर किए जाने के पूरे चांसेस है। और अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक्टर पर, जो थे थलापति विजय, जिनका इंतजार हम एंड सीन तक करते रहे कि अब आएंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो नहीं आए क्योंकि अब वो जवान 2 में आएंगे और सिर्फ कैमियो में नहीं, एक अच्छे खासे रोल के साथ आएंगे, क्योंकि विजय एटली के फेवरेट एक्टर हैं जैसे कि एसआर के, और वो अपने दोनों ही फेवरेट के साथ एक पूरी फिल्म बनाना जरूर पसंद करेंगे। तो शाहरुख खान की जवान फिल्म ने पहले 15 दिनों में 1,000 करोड़ रुपयों की कमाई कर कमाल कर दिया है। 7 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई ये फिल्म 75 करोड़ की ओपनिंग का बड़ा रिकॉर्ड बना चुकी है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दमदार प्रदर्शन कर रही है, साथ ही फिल्म के सीक्वल को लेकर भी काफी बज बना हुआ है। एटली ने जब से ये कहा है कि फिल्म से विक्रम राठौर के कैरेक्टर का स्पिन ऑफ जवान 2 में बनेगा, तब से ही फिल्म को लेकर हाइप बढ़ गई है। अब बात करते हैं इसके दमदार सीन्स और डायलॉग से भरी ये फिल्म के शूटिंग लोकेशन की, क्योंकि इसमें खास बात है, जहां आजकल हर दूसरी फिल्म यूरोप और अमेरिका जैसी बड़ी लोकेशन पर शूट हो रही है, वहीं जवान देश की मिट्टी पर ही शूट हुई है। कह सकते हैं कि ये फिल्म मेक इन इंडिया फिल्म है। अब यूरोप और अमेरिका की जगह अपने देश की ही मिट्टी सोना उगल रही है। जवान फिल्म में फेमस मेट्रो का सीन महाराष्ट्र के शानदार शहर पुणे में शूट किया गया था। इतना ही नहीं, पूरी फिल्म महाराष्ट्र के साथ राजस्थान के कुछ लोकेशंस पर शूट की गई है। हम आपको बताते हैं जवान फिल्म की 6 ऐसी शूटिंग लोकेशंस जिन्हें देखकर आपको अपने ही देश की खूबसूरती पर यकीन नहीं होगा। पर्दे पर दिख रहे ये धासु लोकेशंस भारत के कई जगहों के हैं। आइए जानते हैं कहां कहां शूट हुई है जवान। चेन्नई,
3000 परिवारों के सामने हुई थी जवान की शूटिंग। शाहरुख खान ने अपनी फिल्म जवान का करीब 150 दिनों तक शूट चेन्नई में किया था। शूटिंग के समय तमिल के 3000 से ज्यादा परिवार भी सेट पर पहुंचे थे। शाहरुख वहां करीब 150 दिनों तक रहे और अपनी फिल्म की शूटिंग करते रहे। फिल्म रिलीज से पहले प्रमोशन के लिए यहां पहुंचे शाहरुख खान लोगों को उनकी मेहमान नवाजी को लेकर शुक्रिया अदा किए थे। यहां इवेंट में पहुंचे शाहरुख खान ने कहा कि लोगों ने मुझे खूब प्यार किया, चेन्नई के स्वादिष्ट खाने को लंबे समय तक एंजॉय किया। शाहरुख खान ने मजाक में कहा था कि यहाँ का खाना इतना स्वादिष्ट है कि मैंने अपने 6 पैक्स एब्स भी खो दिए। वहीं जवान फिल्म का एक बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र में शूट हुआ है। इनमें से मुंबई में भी फिल्म की कई दिनों तक शूटिंग हुई है। चलिया गाने की शूटिंग मुंबई के बांद्रा बोरी सी लेंथ पर हुई है। इसके साथ ही फिल्म के कुछ सीन गोरेगांव ईस्ट में भी फिल्माए गए हैं। पुरानी मुंबई के संत तुकाराम नगर मेट्रो स्टेशन पर भी फिल्म के कुछ सीन शूट किए गए हैं। इसके अलावा पुणे हाईवे, सुखवानी कॉम्प्लेक्स, बल्लभ नगर जैसी कुछ लोकेशंस भी जवान फिल्म में नजर आई है। उसके बाद जवान फिल्म के टीजर और ट्रेलर में शाहरुख खान मेट्रो में डांस करते हुए नजर आए थे। इस सीन ने काफी लोगों को फिल्म देखने के लिए प्रभावित किया है। मेट्रो में बेतहाशा अंदाज में नाचते हुए शाहरुख खान का ये सीन पुणे की मेट्रो स्टेशन का है। संत तुकाराम मेट्रो स्टेशन में पहली बार किसी हिंदी फिल्म की शूटिंग की गई थी। वहीं महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद में भी इसी साल जनवरी में जवान शूट की गई थी। फिल्म के 10 मिनट का एक्शन सीन औरंगाबाद के DMIC इलाके में शूट किया गया था। यहां फिल्म की शूटिंग के दौरान करीब 25 जीपों को जलाया गया था। फिल्म के दमदार एक्शन सीन्स में औरंगाबाद की लोकेशन भी नजर आ रही है। जवान फिल्म की लंबे समय तक शूटिंग चेन्नई में चलती रही। इसके बाद महाराष्ट्र के कई शहरों में फिल्म के सीन शूट किए गए थे। बाद में फिल्म का रैप अप राजस्थान में शूट किया गया था। फिल्म की कहानी के आखिरी 10 मिनट के सीन्स राजस्थान में फिल्माए गए थे। अब जवान में देश के कोने कोने की धरती दे दोस्तों, शाहरुख खान की जवान इस वक्त 10वें आसमान को छू रही है और फैंस के सिर से अभी भी जवान फीवर उतरा नहीं है। और इस वक्त फिल्म दुनिया में जवान 2 की बात हर जगह फैली हुई है। और जब से फिल्म डायरेक्टर एटली ने ये कहा है कि जवान 2 आ सकती है और अगर उन्हें एक अच्छी स्क्रिप्ट मिली तो वो जरूर पार्ट 2 बनाएंगे। और फिर जब उन्होंने शाहरुख खान के विक्रम राठौर वाले किरदार पर स्पिन ऑफ की बात की, तब से खबरों का माहौल गर्म हो गया और फैंस की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई। लेकिन सिर्फ जवान के विक्रम राठौर ही नहीं बल्कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे 4 और किरदार हैं जो अपना खुद का स्पिन ऑफ डिजर्व करते हैं। अगर आपको याद हो तो अक्षय कुमार की बेबी फिल्म ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था और इस फिल्म की स्पिन ऑफ फिल्म आई नाम शबाना और ये फिल्म बेहिट साबित हुई और इस फिल्म ने वायरल किया स्पिन ऑफ मूवीज के लिए कंसेप्ट। विक्रम राठौर यानी कि डैडी शाहरुख खान को फैंस का काफी सपोर्ट और प्यार मिला है और फैंस तो उनके लुक्स और एक्शन देखकर मानो पागल ही हो गए। और साथ ही इस किरदार को दीपिका पादुकोण के साथ पेयर किया गया था और इन दोनों की एक बैक स्टोरी भी थी। और अगर जैसा एटली ने कहा कि उन्हें स्ट्रॉन्ग फादर कैरेक्टर दिखाना काफी पसंद है और विक्रम राठौर के किरदार पर स्पिन ऑफ बन सकती है, तो पॉसिबल है कि जवान 2 का मेन हीरो विक्रम राठौर यानी कि डैडी शाहरुख खान हो और हीरोइन दीपिका का किरदार एक बार फिर से दिखाई दे, यानी एक बार फिर से शाहरुख और दीपिका सिल्वर स्क्रीन पर अपना जादू चलाने के लिए आ जाएं। उसके बाद शाहरुख खान का ही ब्रह्मास्त्र का किरदार मोहन भार्गव यानी कि हनुमान अस्त्र अयान मुखर्जी की इस साइंस फाई फिल्म में शाहरुख खान ने एक छोटा सा कैमियो किया था। और 2019 के वक्त अयान ने एक इंटरव्यू में ऐसा भी कहा था कि शूटिंग के वक्त उन्होंने मोहन भार्गव के किरदार को जब एक्सप्लोर किया था तब उन्हें लगा था कि इस किरदार पर एक पूरी स्टोरी बन सकती है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र 2 जल्दी आने वाली है और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसमें ये किरदार दिखाया जाए, साथ ही इसकी बैक स्टोरी भी हो। मोहन भार्गव के बाद है परेश रावल का आइकॉनिक किरदार बाबूराव। ये बाबूराव का स्टाइल है जिसे हर कोई पसंद करता है और आज भी ये किरदार मीम वर्ल्ड का हिस्सा है। हीरा फेरी फ्रेंचाइजी राजू श्याम और बाबू भैया की कहानी को दिखाती है, लेकिन फैंस बाबू भैया की एक स्टैंड अलोन फिल्म की भी डिमांड कर रहे हैं जिसमें हम बाबू भैया की ओरिजिन स्टोरी को जान सके। उसके बाद ऋतिक रोशन का बेधा वाला किरदार जिसमें उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और ये किरदार तेलुगु फिल्म
विक्रम वेधा की हिंदी रीमेक से है, जिसमें उनकी अपोजिट सैफ अली खान थे। एक बार ऋतिक ने खुद कहा था कि उन्हें वेधा का किरदार काफी पसंद है और वो सिर्फ इस किरदार पर ही एक स्पिन ऑफ फिल्म भी बना सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि वेधा की बैक स्टोरी क्या होने वाली है, उसका ओरिजिन क्या था। हम सभी काफी वक्त से मुन्ना भाई सीरीज की राह देख रहे हैं और उस फिल्म का एक आइकॉनिक कैरेक्टर है अरशद वारसी का सर्किट। इस किरदार की बैक स्टोरी हम नहीं जानते हैं और ना ही जानते हैं कि मुन्ना भाई से वो कैसे मिले। तो जहां मुन्ना भाई 3 कन्फर्म नहीं है, तो वहीं अगर सिर्फ सर्किट के ऊपर एक स्पिन ऑफ फिल्म बनाई जाती है तो ऑडियंस को ये जरूर पसंद आ सकती है। तो आप इनमें से कौन से किरदार के स्पिन? दोस्तों, शाहरुख खान की जवान इस वक्त 10वें आसमान को छू रही है और फैंस के सिर से अभी भी जवान फीवर उतरा नहीं है और इस वक्त फिल्म दुनिया में जवान 2 की बात हर जगह फैली हुई है। और जब से फिल्म डायरेक्टर एटली ने ये कहा है कि जवान 2 आ सकती है और अगर उन्हें एक अच्छी स्क्रिप्ट मिली तो वो जरूर पार्ट 2 बनाएंगे। और फिर जब उन्होंने शाहरुख खान के विक्रम राठौर वाले किरदार पर स्पिन ऑफ की बात की, तब से खबरों का माहौल गर्म हो गया और फैंस की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई। लेकिन सिर्फ जवान के विक्रम राठौर ही नहीं, बल्कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे 4 और किरदार है जो अपना खुद का स्पिन ऑफ डिजर्व करते हैं। अगर आपको याद हो तो अक्षय कुमार की बेबी फिल्म ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था और इस फिल्म की स्पिन ऑफ फिल्म आई नाम शबाना और ये फिल्म बेहिट साबित हुई और इस फिल्म ने वायरल किया स्पिन ऑफ मूवीज के लिए कंसेप्ट। विक्रम राठौर यानी कि डैडी शाहरुख खान को फैंस का काफी सपोर्ट और प्यार मिला है और फैंस तो उनके लुक्स और एक्शन देखकर मानो पागल ही हो गए। और साथ ही इस किरदार को दीपिका पादुकोण के साथ पेयर किया गया था और इन दोनों की एक बैक स्टोरी भी थी। और अगर जैसा एटली ने कहा कि उन्हें स्ट्रॉन्ग फादर कैरेक्टर दिखाना काफी पसंद है और विक्रम राठौर के किरदार पर स्पिन ऑफ बन सकती है, तो पॉसिबल है कि जवान 2 का मेन हीरो विक्रम राठौर यानी कि डैडी शाहरुख खान हो और हीरोइन दीपिका का किरदार एक बार फिर से दिखाई दे, यानी एक बार फिर से शाहरुख और दीपिका सिल्वर स्क्रीन पर अपना जादू चलाने के लिए आ जाएं। उसके बाद शाहरुख खान का ही ब्रह्मास्त्र का किरदार मोहन भार्गव यानी कि हनुमान अस्त्र अयान मुखर्जी की इस साइंस फाई फिल्म में शाहरुख खान एक छोटा सा कैमियो किया था। और 2019 के वक्त अयान ने एक इंटरव्यू में ऐसा भी कहा था कि शूटिंग के वक्त उन्होंने मोहन भार्गव के किरदार को जब एक्सप्लोर किया था तब उन्हें लगा था कि इस किरदार पर एक पूरी स्टोरी बन सकती है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र 2 जल्दी आने वाली है और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसमें ये किरदार दिखाया जाए, साथ ही इसकी बैक स्टोरी भी हो। मोहन भार्गव के बाद है परेश रावल का आइकॉनिक किरदार बाबूराव। ये बाबूराव का स्टाइल है जिसे हर कोई पसंद करता है और आज भी ये किरदार मीम वर्ल्ड का हिस्सा है। हीरा फेरी फ्रेंचाइजी राजू श्याम और बाबू भैया की कहानी को दिखाती है, लेकिन फैंस बाबू भैया की एक स्टैंड अलोन फिल्म की भी डिमांड कर रहे हैं जिसमें हम बाबू भैया की ओरिजिन स्टोरी को जान सके। उसके बाद ऋतिक रोशन का बेधा वाला किरदार जिसमें उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और ये किरदार तेलुगु फिल्म विक्रम वेधा के हिंदी रीमेक से है, जिसमें उनकी अपोजिट सैफ अली खान थे। एक बार ऋतिक ने खुद कहा था कि उन्हें वेधा का किरदार काफी पसंद है और वो सिर्फ इस किरदार पर ही एक स्पिन ऑफ फिल्म भी बना सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि वेधा की बैक स्टोरी क्या होने वाली है, उसका ओरिजिन क्या था। हम सभी काफी वक्त से मुन्ना भाई सीरीज की राह देख रहे हैं और उस फिल्म का एक आइकॉनिक कैरेक्टर है अरशद वारसी का सर्किट। इस किरदार की बैक स्टोरी हम नहीं जानते हैं और ना ही जानते हैं कि मुन्ना भाई से वो कैसे मिले। तो जहां मुन्ना भाई 3 कन्फर्म। शाहरुख खान की जवान फिल्म ने पहले 15 दिनों में 1,000 करोड़ रुपयों की कमाई कर कमाल कर दिया है। 7 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई ये फिल्म 75 करोड़ की ओपनिंग का बड़ा रिकॉर्ड बना चुकी है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दमदार प्रदर्शन कर रही है, साथ ही फिल्म के सीक्वल को लेकर भी काफी बज बना हुआ है। एटली ने जब से ये कहा है कि फिल्म से विक्रम राठौर के कैरेक्टर का स्पिन ऑफ जवान 2 में बनेगा,
तब से ही फिल्म को लेकर हाइप बढ़ गई है। अब बात करते हैं इसके दमदार सीन्स और डायलॉग से भरी ये फिल्म के शूटिंग लोकेशन की, क्योंकि इसमें खास बात है, जहां आजकल हर दूसरी फिल्म यूरोप और अमेरिका जैसी बड़ी लोकेशन पर शूट हो रही है, वहीं जवान देश की मिट्टी पर ही शूट हुई है। कह सकते हैं कि ये फिल्म मेक इन इंडिया फिल्म है। अब यूरोप और अमेरिका की जगह अपने देश की ही मिट्टी सोना उगल रही है। जवान फिल्म में फेमस मेट्रो का सीन महाराष्ट्र के शानदार शहर पुणे में शूट किया गया था। इतना ही नहीं, पूरी फिल्म महाराष्ट्र के साथ राजस्थान के कुछ लोकेशंस पर शूट की गई है। हम आपको बताते हैं जवान फिल्म की 6 ऐसी शूटिंग लोकेशंस जिन्हें देखकर आपको अपने ही देश की खूबसूरती पर यकीन नहीं होगा। पर्दे पर दिख रहे ये धासू लोकेशंस भारत के कई जगहों के हैं। आइए जानते हैं कहां कहां शूट हुई है जवान। चेन्नई, 3000 परिवारों के सामने हुई थी जवान की शूटिंग। शाहरुख खान ने अपनी फिल्म जवान का करीब 150 दिनों तक शूट चेन्नई में किया था। शूटिंग के समय तमिल के 3000 से ज्यादा परिवार भी सेट पर पहुंचे थे। शाहरुख वहां करीब 150 दिनों तक रहे और अपनी फिल्म की शूटिंग करते रहे। फिल्म रिलीज से पहले प्रमोशन के लिए यहां पहुंचे शाहरुख खान लोगों को उनकी मेहमान नवाजी को लेकर शुक्रिया अदा किए थे। यहां इवेंट में पहुंचे शाहरुख खान ने कहा कि लोगों ने मुझे खूब प्यार किया, चेन्नई के स्वादिष्ट खाने को लंबे समय तक एंजॉय किया। शाहरुख खान ने मजाक में कहा था कि यहाँ का खाना इतना स्वादिष्ट है कि मैंने अपने 6 पैक्स एब्स भी खो दिए। वहीं जवान फिल्म का एक बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र में शूट हुआ है। इनमें से मुंबई में भी फिल्म की कई दिनों तक शूटिंग हुई है। चलिया गाने की शूटिंग मुंबई के बांद्रा बोरी सी लेंथ पर हुई है। इसके साथ ही फिल्म के कुछ सीन गोरेगांव ईस्ट में भी फिल्माए गए हैं। पुरानी मुंबई के संत तुकाराम नगर मेट्रो स्टेशन पर भी फिल्म के कुछ सीन शूट किए गए हैं। इसके अलावा पुणे हाईवे, सुखवानी कॉम्प्लेक्स, वल्लभ नगर जैसी कुछ लोकेशंस भी जवान फिल्म में नजर आई है। उसके बाद जवान फिल्म के टीजर और ट्रेलर में शाहरुख खान मेट्रो में डांस करते हुए नजर आए थे। इस सीन ने काफी लोगों को फिल्म देखने के लिए प्रभावित किया है। मेट्रो में बेतहाशा अंदाज में नाचते हुए शाहरुख खान का ये सीन पुणे की मेट्रो स्टेशन का है। संत तुकाराम मेट्रो स्टेशन में पहली बार किसी हिंदी फिल्म की शूटिंग की गई थी। वहीं महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद में भी इसी साल जनवरी में जवान शूट की गई थी। फिल्म के 10 मिनट का एक्शन सीन औरंगाबाद के DMIC इलाके में शूट किया गया था। यहां फिल्म की शूटिंग के दौरान करीब 25 जीपों को जलाया गया था। फिल्म के दमदार एक्शन सीन्स में औरंगाबाद की लोकेशन भी नजर आ रही है। जवान फिल्म की लंबे समय तक शूटिंग चेन्नई में चलती रही। इसके बाद महाराष्ट्र के कई शहरों में फिल्म के सीन शूट किए गए थे। बाद में फिल्म का रैप अप राजस्थान में शूट किया गया था। फिल्म की कहानी के आखिरी 10 मिनट के सीन्स राजस्थान में फिल्माए गए थे। अब जवान में देश के कोने कोने की धरती देख अब हम सिग्नल्स को ढूंढ रहे, जब वो मिल जाएंगे तो हमें नजदीकी लोकेशन का पता चल जाएगा। Collectively, 24 officers shahid hue. Tumne jo kiya hai, pata hai kiske saath kiya hai? Tum sabhi ka swagat hai is operation Black mein. Aakhir tum ho. मैं उन लोगों की तलाश में हूं जिनके पास खोने को कुछ नहीं। वो जाल बिछा चुके क्योंकि मैं भी पुलिस हमारा इंतजार कर रही है। मेरे पास एक प्लान है, उसे कोई नहीं रोक सकता। मेरे सिर्फ जंग खत्म
सिग्नल्स को ढूंढ रहे हैं। जब वो मिल जाएंगे तो हमें नजदीकी लोकेशन का पता चल जाएगा। कलेक्टिवली 24 ऑफिसर शहीद हुए हैं। तुमने जो किया है पता है किसके साथ किया है? तुम सभी का स्वागत है इस ऑपरेशन ब्लैक में। आखिर तुम हो पास खोने को कुछ नहीं। वो जाल बिछा चुके क्योंकि मैं भी पुलिस वाला इंतजार कर रही है। मेरे पास एक प्लान है। उसे कोई नहीं रोक सकता। मेरे सिर्फ जंग खत्म कलेक्टिवली 24 ऑफिसर शहीद हुए हैं। तुमने जो किया है पता है किसके साथ किया है? तुम सभी का स्वागत है इस ऑपरेशन ब्लैक में। आखिर तुम हो पास खोने को कुछ नहीं। वो जाल बिछा चुके क्योंकि मैं भी पुलिस वाला इंतजार कर रही हूं। मेरे पास एक प्लान है। उसे कोई नहीं रोक सकता।